हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि अभी रिसेंटली 30 तारीख को 30 सितंबर को बीपीएससी का पीटी हुआ और मैं ये उम्मीद करके चाह रहा हूं कि आपके पीटी अच्छे हुए होंगे। बाकायदा एक बात मैं आपको बता दूं कि हम लोग के समय भी मैं भी पीटी देता था बीपीएससी का, तो उसके कंपेयर टू इस बार 69 का जो पीटी है वो कंपेयर करेंगे तो वो ज़्यादा टफ है। लेकिन ये भी मैं बता दूं कि एनालिसिस और इसके आंसर बताने के पहले, आपके अगर पिछले बार जैसा कि बीपीएससी का 68 में जो पीटी का कट ऑफ गया था वो 90 था, जनरल के लिए 90 था, और उसके कैटेगरी में आप दो दो चार चार क्वेश्चन को माइनस कर लीजिए, तो हम लोगों को जो इस बार हम लोगों ने जो इस बार क्वेश्चन को देखा, एनालिसिस किया और आंसर बनाया, तो ये पता चल रहा है कि 80 और 85, 80 और 85 के अगर आप बीच में हैं तो यकीन मानिए कि आपका पीटी इस बार हो रहा है। इसमें हतोत्साहित मत होइएगा कि पता नहीं कितने कट ऑफ जाएंगे, मैं गारंटी बोल रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ कि 85 प्लस हैं तो आप श्योर शॉट हैं कि इस बार आप बीपीएससी का मेंस लिखने जा रहे हैं। तो हमारे तरफ से शुरू करने के पहले ही आपको ढेर सारे बधाइयाँ और शुभकामनाएं, ठीक है? तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या था, इसके आंसर क्या होना चाहिए था। हम लोगों की पूरी टीम जो है योजना आईएएस का, इस बाकायदा इसमें एक सप्ताह से हम लोग इसमें इसके आंसर को तैयार कर रहे थे, और यकीन मानिए जो आंसर की आएगा, जो बीपीएससी अपनी आंसर की पेश करेगी, बाकायदा एक दो दिन में वो दे देगी, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आने वाले हैं। बाकायदा एक दो क्वेश्चन का डिफरेंस रहेंगे, लेकिन एज इट इज आपको यही सारा आंसर दिखाई देगा, ठीक है? तो चलिए पहला क्वेश्चन जो था वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है? इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएंगी, ठीक है? ये पहला आपका क्वेश्चन था, तो इसका जो आंसर था ये तीनों है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज कंप्यूटरिंग और नेटवर्क असाइनमेंट, मतलब ये सारा इसका आंसर था। तो इसका जो आंसर था ऑल ऑफ दिस, मतलब कि एक दो तीन जो इसका डी आंसर है, ये डी आंसर था इसका, ठीक, ये डी इसका आंसर था। ये डी इसका आंसर था, ठीक है? एक दो तीन, ये तीनों होता है इसमें, ठीक ना? फिर सेकेंड इसका हम लोग देख लेते हैं कि सेकेंड में इसका आंसर क्या होना चाहिए था। इस सेकेंड जो इसका क्वेश्चन था कि सूची एक और सूची दो में सम्मिलित कीजिए, ठीक है? इसका जो हम लोगों ने आंसर इस बार तैयार किया है ये है फर्स्ट, ये वाला फर्स्ट है, मतलब कि ये बोल रहा है कि कैसिनी जो है बृहस्पति, जूनो शनि, और ये ऑटिमस शुक्र और वेटिनास मालवा, मतलब एक दूसरे से सारा ये शामिल थे, ठीक है? तो इसका सेकेंड आंसर था, ठीक ठीक है? अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, मिलाते चलिएगा इसको, क्योंकि अगर देखिए यहाँ पे दो टाइप के बच्चे हैं, एक बच्चे वो हैं जो रियल में बीपीएससी का इस बार उन्होंने पीटी दिया है, तो उसको बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने में वो नहीं रहेंगे, उनको लगता है और लगता भी, हम लोग यही स्टूडेंट हैं तो हम लोग भी चाहते थे कि पहले आप आंसर दिखा दीजिए कि भाई इसका आंसर कौन है, इसका आंसर कौन है, क्योंकि उनको क्यूरियोसिटी होती है कि फटाफट हम आंसर मिला लें। और एक बच्चे वो होते हैं जो पीटी नहीं देते हैं, लेकिन वो चाहते कि बहुत अच्छा से, मतलब एनालिसिस हम उसको देख लें, ठीक। लेकिन हम लोग क्या है कि हम लोग फोकस कर रहे हैं कि उन बच्चों पे जिन्होंने पीटी दिया है, कि कम से कम एक बार आप अपना आंसर इससे मिला लीजिए कि आपके कितने कट ऑफ, आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है? तो थर्ड वाले क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं।
ये थर्ड क्वेश्चन है, ठीक, इसका जो आंसर है ये है सी है, इसका थर्ड का थर्ड जो क्वेश्चन है इसका सी है, मतलब का इसका ए का दो यहां पे, ठीक, बी का वन और इसका चार और डॉन का ये, ठीक है। तो ये थर्ड जो है आपका क्वेश्चन इसका सी था आंसर, ठीक ना। ये चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन का देख लेते हैं किसमें ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक। टोनियासिस एक आंतों का एक संक्रमण है जो कि टेपवर्म और तीन प्रजातियां टेनिया सोलेनिया और टेनिया साग्निकाटा और टोनिया एशियाटिका के कारण होता है। जब मस्तिष्क में सिर्फ विकसित हो जाता है तो इस स्थिति को एनसीजी कहा जाता है। तो ये दोनों सही है, ये दोनों सही है, मतलब कि इसका सी आंसर था। चार वाला जो आपका क्वेश्चन था इसका सी आंसर था, ठीक है, ये दोनों सही थे इसमें, ठीक। अब पांच है क्वेश्चन, वो देख लेते हैं। ये पूछ रहा है आपसे, पांच जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंप्यूटर लैंग्वेज, ठीक है। ये मतलब पूछ रहा है कि इसमें से कौन कौन से कंप्यूटर लैंग्वेज है, ठीक। तो कोबरा भी है, पैथन में स्क्वायरल भी है, जावा, ये सारा है, ठीक। तो पांचवा का सारा होगा आंसर इसका, पांचवा का सभी उपयोग सभी, ठीक है, पांचवा का डी आंसर है इसका। ये उपयुक्त सभी, ठीक ना, ये पांचवा का डी है, उपयुक्त सभी, ठीक है। अब छठा क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। ये पूछा, ये अभी समाचार में भी था आपका, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा समाचार में था, जीपीटी का क्या फुल फॉर्म होता है, ठीक है, इसका पूछा, जीपीटी का फुल फॉर्म आपसे पूछ दिया। तो जेनरेटिक प्री ट्रांसफॉर्मर, ये इसका भी डी है, छह जो क्वेश्चन है इसका भी डी है, और ये रिसेंटली बहुत ज्यादा न्यूज में था, ये करेंट के क्वेश्चन थे, ठीक है, ठीक ना, इसका भी छह का भी डी था, ठीक है। अब सात देख लेते हैं, इसमें पूछ रहा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नॉट द टेस्टेस ऑफ द टंग, मतलब कि जीभ का जो स्वाद है इसमें से कौन कौन नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है कौन कौन नहीं है, ठीक है। यहां पे याद रखिएगा कौन कौन नहीं है, क्वेश्चन जब ऐसे पूछता है तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको लगता है और क्वेश्चन पूछ रहा है नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर है सी, ये भी चार और सात, ये नहीं है, चार कौन है, स्पाइसी नहीं होता है और सात पुंगने ये नहीं होता है, बाकी सारे चीज होते हैं खट्टा मीठा, ये सारे स्वाद होते हैं हमारे जीभ का, लेकिन जो चार और सात है स्पाइसी नहीं होता है और ये पुंगनेट ये नहीं होता है, ठीक ना। तो इसका भी सी था, ठीक, इसका भी सी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मतलब क्या था इसमें कि मसालेदार और तीखा ये नहीं होता है, ठीक है।
कि 8 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें पूछ रहा है आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, ठीक है, कौन कौन से इसमें मैच्ड है ये पूछ रहा है। तो इसका है, इसका भी सी है, 3 और 4 है। कौन कौन मैच कर रहा है, ये वाला डैप्सोरिया और एनोसोमिया, ये दोनों पेयर मैच कर रहे हैं, बाकी दोनों ये नहीं कर रहे हैं। तो इसका भी आपका जो 8 क्वेश्चन था इसका भी आंसर सी है, ठीक ना, इसका भी आंसर सी है। ये पूछ रहा है 9 क्वेश्चन है, 9th नंबर, कि इन द यूनिवर्स व्हाट आर द पल्सर्स, ये क्या होता है। तो रोटेशन, न्यूट्रेशन, स्टार्स को बोला जाता है। 9 का बी आंसर है इसका, 9th क्वेश्चन नंबर जो है इसका जो आंसर है ये बी है, ठीक है, ठीक, इसका बी है। तीन क्वेश्चन है, इन द कंटेस्ट ऑफ लैब ग्रोन डायमंड्स व्हाट आर द यूज इन डायमंड सीड्स, ठीक, तो इसका ग्राफाइट, ये इसका भी 10 का ग्राफाइट, ये सी जो है ये आंसर इसका है, ठीक ना, ठीक है। देखिए 11 क्वेश्चन है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में वो करके बता रहा हूँ, ठीक ना, अब तो देख लीजिएगा कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या होता है। तो ये केवलर होता है, केवलर, ठीक है, बुलेट प्रूफ जो जैकेट में बनाया जाता है उसमें मटेरियल क्या होता है, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको केवलर का उसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ठीक। इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 इसको देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, इसको देख लेते हैं, ये क्या है कि व्हाट आर द फुल फॉर्म ऑफ HMX, HMX का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है, ठीक ना, तो इसका फुल फॉर्म क्या है। इसका केवल एक है, सी वाला, ठीक है, केवल सी है, कौन सा, ये हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव बोला जाता है, HMX का फुल फॉर्म ये हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव है, ठीक ना, ये तो इसका जो आंसर है 12 का ये सी है, ठीक है, इसका आंसर जो है सी है। तेरह का देख लेते हैं, 13 का, ठीक, कि अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमन राइट रोबोट का नाम क्या था, इसका नाम क्या था, ये भी अभी रिसेंटली में था, ये भी करंट का ही आपका क्वेश्चन है, तो ऑप्टिमस कहा जा, इसका नाम था ऑप्टिमस, ठीक है, 13 का डी है, ठीक ना, ऑप्टिमस। ठीक, आप 14 नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये 14 का जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द मैनहट्टन प्रोजेक्ट क्या था,
मैनहट्टन प्रोजेक्ट ये क्या है? तो ये इसका ए है, द रिसर्च एंड द डेवलपमेंट अंडरटेकिंग दैट प्रोड्यूस द फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक, ये 14 का ए आंसर है, ठीक ना, 14 का ए आंसर है। ठीक, चौदह का ए आंसर है। पंद्रह क्वेश्चन था कि अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है, वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? तो ये वक्रता के केंद्र पे होना चाहिए, इसका बी आंसर है। पंद्रह का बी आंसर है, ठीक है, वक्रता के केंद्र पे होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है आपसे कि ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो क्या करता है, जो क्या करता है, वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, परिवर्तित करता है। ठीक है, इसका ए आंसर है, 16 का ए आंसर है। ठीक ना, 16 का ए आंसर है। ठीक, 17वां पूछ रहा है आपसे द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट मास ऑफ द सॉल्यूशन सॉल्वेंट इज नोन एज इन केमिस्ट्री क्या बोला जाता है? तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये इसका डी, 17 का डी आंसर है। ठीक है, 17 का डी आंसर है। हिंदी इंग्लिश दोनों में हम करते चलेंगे, ठीक ना, तो इसको देखते चलिएगा। ठीक है, ये आपसे पूछा था कि कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करती हैं, ये क्वेश्चन नंबर 18 है। ठीक, इसका आंसर जो है वो है फर्स्ट, इसका ए आंसर है कि जीवित क्षण सार कोविड 2 वायरस में को प्रवेश करा के इसको क्या करती है, प्रतिक्रिया को उत्तेजित करती है। तो जो क्वेश्चन नंबर 18 है इसका आंसर आपका ए है, ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है ये ए है। ठीक, क्वेश्चन नंबर जो 18 है इसका आंसर ए है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, कौन बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी में? ठीक है, इसका है आंसर नन ऑफ एवर, नन ऑफ एवर, इसका डी आंसर है। 19 का जो आंसर है ये डी है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कि द डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर इज डिस्कवर बाय किसका, डीएनए की जो खोज की गई थी किसने किया था? इसका जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्लिक है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी है, बहुत सारे पेपर्स में देखिएगा तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, अब 21 का देख लेते हैं, इसका कि ये पूछ रहा है कि टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट मासेस फॉलिंग फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ मून वुड बी क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर 21 का सी है, हैव ए सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, मतलब ये सी आंसर है इसका, जो 21 क्वेश्चन नंबर है इसका आंसर सी है। ठीक है, सी है। अब क्वेश्चन नंबर 22
क्वेश्चन नंबर जो 22 है वो देख लेते हैं। ये पूछ रहा है हाउ डू वेक्टर वैक्सीन वर्क टू प्रोवाइड इम्यूनिटी, इम्यूनिटी सिस्टम को कैसे वो काम करता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है फर्स्ट है ए इंट्रोड्यूसिंग ए वीकेंड इन इंफेक्टिड वायरस इनटू द बॉडी, मतलब बॉडी में उसको प्रवेश करवाया जाता है। मतलब तो इसका आंसर वाइस जो 22 क्वेश्चन नंबर है इसका ए है। ठीक है, ए है। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 23 का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 23 है वो देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 23 है वो देख लेते हैं। कि लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है, ये क्वेश्चन नंबर 23 है। ठीक ना, तो इसका है कि समुद्र तट का फैलाव, ये सी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है उसका आंसर 23 का जो क्वेश्चन नंबर है उसका आंसर सी है। ठीक है, समुद्र तल का फैलाव। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। ये पूछ रहा है कि भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है। ये भी बेसिक क्वेश्चन था, ये भी बेसिक क्वेश्चन था। इसका भी प्लेट टेक्नोलॉजिक सिद्धांत है, ये बहुत फेमस है, आप ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे। ठीक ना, महाद्वीपीय विस्थापन जो हो रहा था कैसे कैसे, उसमें पहला ही टॉपिक आपको पहला ही जो फैक्ट मिलेगा यही मिलेगा प्लेट टेक्नोलॉजिक सिद्धांत के द्वारा। ठीक, तो 24 का जो क्वेश्चन था इसका आंसर सी था। ठीक ना, इसका आंसर सी था। ठीक, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पूछ रहा है व्हाट इज द एक्सपेंड फॉर्म ऑफ द टर्म एमआरएनए, आरएनए का फुल फॉर्म क्या है, वाइडली डिस्कस सिंस द बिगिनिंग ऑफ द पैंडेमिक। ठीक, इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर जो है मैसेंजर रिबोनक्लिक एसिड है, मतलब ये फर्स्ट है। जो 25 क्वेश्चन था आपका ये आरएनए वाला, इसका आंसर फर्स्ट मतलब ए है इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर ए है। ठीक, अभी इसको मिलाते चलिए, मुझे पता है कि अभी लोग नर्वस हो रहे होंगे, बहुत सारे गलत भी हो रहे होंगे, बहुत सारा सही भी हो रहे होंगे। ठीक ना, तो खाली अभी आंसर आप मिलाते चलिए, बाद में बोलिएगा कि बाद में क्वेश्चन क्या था, अभी इसका आंसर एक बार मिला लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 26 है। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है कि एसी करंट को कैसे उत्पन्न किया जाता है, एसी करंट को कैसे उत्पन्न किया जाता है, तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, डायनामो द्वारा, इसको डायनामो द्वारा, तो इसका बी है आंसर, इसका बी है। ठीक है, इसका आंसर बी है। ठीक ना, 27 को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 कि धारा घनत्व होता है, धारा का घनत्व क्या होता है, इसका बी कौन सा, एक सदिश ये राशि है, ये सदिश राशि है बीपीएससी का, ये सब फेवरेट क्वेश्चन है, इकाई के बारे में पूछ लेता है। ठीक है, वर्क का, फोर्स का, ये सब का पूछ लेता है, तो ये बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, यहां से एक दो क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। ठीक है, तो इस बार भी इसने क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक, अब नेक्स्ट देख लेते हैं।
28 क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द बेसिक मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकेशन इन मेडिकल केमिस्ट्री, तो मॉलिक्यूलर टारगेट्स, इसका 28 का बी आंसर है, मॉलिक्यूलर टारगेट्स है इसका बी आंसर है इसका, ठीक ना, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया दर को धीमा करता है, प्रतिक्रिया दर को धीमा करता है, तो इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं है, इसमें इसका आंसर डी है, इसका आंसर डी है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा, इसका आंसर डी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कि आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं, इसका भी आंसर डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका भी डी आंसर है, ठीक है, इसका भी डी आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है कि विच इन द कंटेक्स्ट ऑफ सीपुरिक टूरिज्म, ये कहां है, किसके तट पे है, ठीक है, तो इसका आंसर जो है ये फर्स्ट है, ऑफ द कोस्ट ऑफ गोवा के तट पे है, सीपुरिक टूरिज्म, ये अभी रिसेंटली ये भी था, ठीक ना, तो ये इसका आंसर जो है फर्स्ट आंसर है, इसका ए आंसर है, ठीक है, इसका ए आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 33, ये है 32, जो क्वेश्चन है ये 32 क्वेश्चन है आपका, ठीक ना, इसमें क्या है कि G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं वैश्विक GDP का 85, ये सही है, ठीक है, और वैश्विक व्यापार का 50% से ज्यादा ही है, ये गलत है, 20 के लगभग 2/3 यहाँ जनसंख्या रहती है, तो फर्स्ट और थर्ड यानी कि बी, 32 का आंसर है बी, ये वाला 1 और 3, ठीक ना, 32 का आंसर है, ठीक। तेतीस का देख लेते हैं, 33 का, कि हु इज द हेड ऑफ रशिया वैगनर मर्सनरी ग्रुप, अभी इन्होंने क्या किया था कि बगावत कर दिया था यूक्रेन वाले में, अभी रिसेंटली ये न्यूज में था, ठीक ना, तो इसके जो प्रधान है, जो प्रमुख है, वो कौन थे, तो इसका आंसर है ये वाला वेगजिनी प्रिगोजिनियम, ये सेकेंड वाला जो आंसर है ये है, अभी रिसेंटली इन्होंने क्या कर दिया था, इन्होंने बगावत कर दिया था रशियन सरकार के खिलाफ में, ठीक है, तो ये भी करेंट का आंसर था आपका, ठीक ना। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, तो सबको पता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है, ये भी क्वेश्चन बहुत फेवरेट है बीपीएससी का, इस टाइप का क्वेश्चन
बीपीएससी हमेशा पूछती है, एक दो क्वेश्चन पूछती है, कौन कहाँ से रिपोर्ट जारी होता है, कौन सा किसका रैंक है, इंडिया का किसमें किसी का रैंक है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, ये है कि यूनाइटेड किंगडम की महारानी, ये स्टेटमेंट है कि यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये वाला अभी रिसेंटली इनकी मृत्यु हो गई थी, ये भी रिसेंटली करंट का ही क्वेश्चन था, तो ये वाला सही है, बाकी सारे गलत हैं कि उन्होंने 70 वर्षों तक शासन किया और 96 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो ये फर्स्ट इसका सही था, 35 का ए सही था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है, इसको देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर जो 36 है, कि गुजरात में आयोजित डेफ एक्सपो 2022 का विषय क्या था। तो इसका था बी गौरव का मार्ग, इसको थीम जो था, इसको थीम का नाम ये दिया गया था, गौरव का मार्ग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, द 3 डे सेलिब्रेशन ऑफ द ट्रेडिग्यूट फेस्टिवल इन द सेलिब्रेटेड इन विच कंट्री, ठीक, ये म्यांमार है, म्यांमार में ये फेस्टिवल आयोजित की जाती है, ठीक है, ये म्यांमार में आयोजित की जाती है फेस्टिवल, अभी रिसेंटली भी था, ये भी न्यूज में ही था आपका, ठीक ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये पूछ रहा है व्हाइट हाउस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। इस बार कथन कारण वाले बहुत सारे क्वेश्चन रहे, कथन वाले स्टेटमेंट वाले जो यूपीएससी पूछती है उसी के तर्ज पे इस बार बीपीएससी ने क्वेश्चन तैयार किया है, इस कारण इस बार क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि टफ हो गया है उन बच्चों के लिए जो कॉन्सेप्चुअल पढ़ के नहीं जाते हैं, ठीक है। व्हाइट हाउस के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका जो आंसर है ये डी है, इसका आंसर डी है, डी में देख लेते हैं इसका कि आंसर इसका डी है, 2, 3, 4, इसका 2, 3, 4 आंसर है, ठीक है। व्हाइट हाउस वाला जो क्वेश्चन आपका पूछा था इसका आंसर डी था, 2, 3, 4, एक गलत था, बाकी सारे वो सही थे, ठीक ना। थर्टी नाइन देख लेते हैं। ये पूछ रहा है कि नीट मार्टिन इज अ समटाइम्स सीन इन द न्यूज इन द कंटेस्ट ऑफ प्रमोटिंग, ठीक है। तो इसका जो आंसर है ये सी है, इसका आंसर सी है, ठीक है। जो 39 का जो आपका क्वेश्चन था इसका आंसर सी है, ठीक है, ठीक ना। आप 40 को देख लेते हैं,
40 क्वेश्चन है, 40 नंबर का, ठीक। इसका है ए, इसमें मिलान करना था, मैच करना था, तो 40 का ए है, मतलब कि मैजेंटा क्या होता है, लाल और नीला, ठीक। टील क्या होता है, तो ये नीला और हरा और सफ़ेद। मोव क्या होता है, तो नीला लाल और सफ़ेद। और शियान क्या होता है, तो हरा और नीला, ठीक है। ये क्वेश्चन था, आपको मिलाना था इसको, ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन था, साइंस का क्वेश्चन था, इसको आप मिला लेते तो आपका आंसर सही हो जाता। अभी आप लोग जितने भी लाइव देख रहे हैं, सिर्फ आंसर मिलाइए, ऑप्शन क्या क्या है इसमें मत देखिए, इसको देखिएगा आराम से। अभी आप सिर्फ आंसर देखिए कि कौन कौन से आंसर इसके बने हैं, कौन कौन से आंसर इसके सही हैं, ठीक है। क्योंकि क्यूरियोसिटी मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा होता है उन बच्चों के लिए जो अभी रिसेंटली बीपीएससी का पीटी दिए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार जल्दी जल्दी हमको आंसर बता दिया जाए, ठीक है। तो हम लोग भी वही कर रहे हैं कि आंसर सिर्फ आपको बता रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, देख लेते हैं। ये पूछ रहा है विच इज द नेम ऑफ द डीपर सी सबमर्साइबल दैट एक्सप्लोडेड ड्यूरिंग द अंडर वाटर वेव्स टू द टाइटेनिक रेक रेस। ये भी आपका अभी रिसेंटली था इसका भी ये न्यूज, ये भी करेंट का ही क्वेश्चन था, ये भी करेंट का ही क्वेश्चन था, तो इसका टाइटेन नाम था, टाइटेन, इसका टाइटेन नाम था, ये भी अभी आपका करेंट का क्वेश्चन था, ठीक है, ठीक ना। तो इसको देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है। मैच द फॉलोइंग है, इसमें मैच द फॉलोइंग है, मिलान के लिए पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 42। ये 42 है, इसका जो आंसर है वो है आपका, ये 42 का आंसर जो है ये बी है, ये क्वेश्चन नंबर 42 था, इसका आंसर बी है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग था, इसको भी मिलाना था, इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 का जो है इसका बी है, हाँ एक बार देख लीजिए इसमें क्या क्या है। ठीक, अब आगे देखते हैं 43। देख लेते हैं, ठीक। 43 क्वेश्चन नंबर 43 है, उसको देख लेते हैं। ये पूछ रहा है कि वेयर डिड द फॉरन प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए गिव हिज इंटरव्यू रिसेंटली, मतलब कि जो अभी प्रेसिडेंट है अमेरिका का, उन्होंने अभी तत्काल कहां पे अपना इंटरव्यू दिया था, ठीक। तो ये जगह था सर्वोजेव, सर्वोजेव में इन्होंने इंटरव्यू दिया था, ठीक है। तो 43 का आंसर बी है, ठीक है, सर्वोजेव में इन्होंने अभी रिसेंटली इंटरव्यू दिया था, ठीक है। 44 को देख लेते हैं, 44 क्वेश्चन नंबर 44 ये आपसे पूछ रहा है खेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कौन से जोड़े सही हैं, कौन कौन से जोड़े सही हैं, ये आपसे पूछ रहा है 44 क्वेश्चन नंबर जो है ये आपको, ठीक है। 44 जो क्वेश्चन नंबर है ये आपसे पूछ रहा है, 44 का आंसर डी है, 2 और 4, 2 और 4 इसका आंसर है, ठीक ना। 44 जो क्वेश्चन है ये आपसे पूछ रहा था कौन कौन जो इसमें कथन है वो सही है, मतलब सही आंसर इसके वो दिए गए हैं, ठीक। इसका डी आंसर था 44 का, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट 45 देख लेते हैं, ठीक है। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज कंप्लीटेड द मदर टंग सर्वे ऑफ द इंडिया इन द नवंबर 2022। इट
विद द फील्ड ऑफ वीडियोग्राफी ऑफ द कंट्री हाउ मेनी लैंग्वेज, मतलब कितने लैंग्वेजेस में इन्होंने मदर टंग का जो अभी सर्वेक्षण करवाया था भारत सरकार ने वो कितने लैंग्वेज में था, तो वो इसका आंसर 576 था, 576 था। तो इसका जो 45 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपका सी है, ठीक ना, इसका आंसर सी था, ठीक है, इसका आंसर सी था, ठीक। 46 चलते हैं, 46 Which state government launches the state level committee for the vulture conservancy proposed by the national action of the protection of vulture in India? ये क्वेश्चन है 46, इसमें तमिलनाडु ने किया है, गिद्धों की संरक्षण के लिए अभी जो प्रयास किया वो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने किया था, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। कि 10 कैपिटल नस एशियाई विशालकाय कछुए मुख भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक है, हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए हैं, ठीक है, तो इसका आंसर है ए नातंगी राष्ट्रीय उद्यान। ये भी करेंट का मोस्टली इसमें अभी जो हम लोग एनालिसिस कर रहे थे उसमें देख रहे थे कि 30 क्वेश्चन जो है बाकायदा आपको करेंट अफेयर से पूछा है और 37-38 क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से पूछा है और बिहार स्पेशल भी 15-12 क्वेश्चन उसमें दिख रहे हैं और आपका ये साइंस से भी 30 क्वेश्चन इसमें आपको दिख रहे हैं। तो ये चार सेगमेंट में जैसा कि हम लोग अभी योजना आईएएस में पढ़ा रहे थे बीपीएससी के पीटी के बच्चों को तो उसमें बता भी रहे थे कि मात्र चार सेगमेंट में अगर आप वो जोर देते हैं, ज़्यादा उस पर बल देते हैं, ज़्यादा उस पर फोकस करते हैं तो चार सेगमेंट के कारण ही आपके पीटी हो जाएंगे और यही इस बार हुआ भी कि चार सेगमेंट में आप जोड़ेंगे क्वेश्चन तो 110 के आसपास क्वेश्चंस हैं जबकि इस बार 85 प्लस जिस बच्चों ने किया होगा उसका आराम से इस बार बीपीएससी का पीटी हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। Which country has recently referendum अरुणाचल प्रदेश as integral part of India? मतलब कि अभी रिसेंटली किस देश ने अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग माना है, ठीक। तो ये यूएसए का अभी स्टेटमेंट आया था गालवान घाटी में, जैसा कि आपको पता है कि चाइना और भारत के साथ जो गतिरोध उत्पन्न हो गए थे उसी के परिपेक्ष में सपोर्ट देने के लिए यूएसए बहुत आगे आई और भारत सरकार को इन्होंने समर्थन दिया, तो यूएसए इसका आंसर है, ठीक है, यूएसए इसका आंसर है, ठीक है। 49 देख लेते हैं, 49 देख लेते हैं, ठीक है, 49 देख लेते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों का क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि कुछ बच्चे हिंदी के भी इंग्लिश के भी हैं तो दोनों आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा सा यहां पे वो कर लीजिए कि कुछ कुछ क्वेश्चन मैं इंग्लिश पे डिस्कस कर दे रहा हूं, कुछ कुछ हिंदी पे कर दे रहा हूं, ठीक ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के रुद्राज बाला साहेब पाटिल ने काहिरा में आईएसएस वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता था, मतलब रुद्राज बाला साहब एक प्लेयर हैं जो 10 मीटर राइफल के लिए वो चलाते हैं तो इसका उन्होंने गोल्ड मिला था, स्वर्ण मिला था, ठीक है, गोल्ड मिला था, ठीक। तो हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं, इसको करते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है उसको देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 50 है कि क्वेश्चन नंबर पूछा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा के मुख्य धारा के शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देती है, तो सबको पता है कि ग्रेड सिक्स से ही ऐसे इसकी पुराना भी जो प्रथा थी शिक्षा व्यवस्था जो लागू था उसमें भी ग्रेड सिक्स से ही बात करता है और जो नई शिक्षा व्यवस्था है जो सरकार की नई शिक्षा व्यवस्था है उसमें भी इन्होंने क्या किया था कि सिक्स ग्रेड से ऊपर का इन्होंने किया था। तो आपसे पूछा ग्रेड सिक्स, ग्रेड एट, ग्रेड टेन, ग्रेड ट्वेल्व, तो ग्रेड सिक्स से किया है उन्होंने भारत सरकार की ये, ठीक है। तो इसमें 50 का क्वेश्चन का आंसर आपका ए है, ग्रेड सिक्स, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें
आगे इसका आंसर देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 कि इंडिया साइन द इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड द ट्रेड एग्रीमेंट विथ विच कंट्री, तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ, ये ऑस्ट्रेलिया के साथ, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया के साथ किया था, ठीक है। जल्दी जल्दी करते हैं हम लोग, ऑस्ट्रेलिया के साथ। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि सहज भाषा अधिनियम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा हाल में पारित किया गया था, जिसमें सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक दस्तावेजों और वेबसाइटों को सरल और आसानी से समझ में आने वाली अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। तो इसमें न्यूजीलैंड था, इसका सी था न्यूजीलैंड, ठीक ना, 52 का न्यूजीलैंड था, ठीक है, 52 का न्यूजीलैंड था, ठीक है, 52 का न्यूजीलैंड था, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्वेश्चन नंबर 53 था, टोलियाडेमी फॉसिल ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट प्लांट फॉलिटेशन कॉल टीलियाडेमी वेयर डिस्कवर्ड रिसेंटली इन द विच कंट्री, इसका रशिया है, इसका रशिया है, ठीक है, इसका रशिया है, ठीक ना, ये क्वेश्चन 53 का रशिया है, 53 का, ठीक। 54 देख लेते हैं, ये है सुर्खियां बटोरने वाली सिंबल घोषणा, ये किससे रिलेटेड है, अभी भी रिसेंटली था, ये किससे रिलेटेड है, तो ओशन से है, ये महासागर, ये वाला, ठीक है। लिस्मन घोषणा पत्र क्या था, तो ये महासागर से संबंधित था, ठीक ना, 12 मील वो अधिकार होता है हर एक कंट्री का, वो आपको पता ही है इसका, ठीक है। 55 देख लेते हैं, 55 क्वेश्चन नंबर 55 कि विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 55 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वॉज नॉट नोन इन द पीपल ऑफ हिंदू वाली सिविलाइजेशन, मतलब कौन सा जानवर है कि लोगों से परिचित नहीं था हरप्पा सभ्यता में। तो ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर मुझे नहीं लगता है कि इतना ज़्यादा बीपीएससी रूड होगी, ये घोरा कहीं परवान नहीं मिला है, लेकिन घोरा के अस्थियों का, हड्डियों का कुछ जगह से प्राप्त मिला है, लेकिन वो पालतू हरप्पा वासियों के लिए पालतू नहीं था, लेकिन इसका आंसर हॉर्स ही देगा, ठीक। अगर ऐसा देखा जाए तो इसमें से कोई नहीं है, लेकिन बीपीएससी इतना ज़्यादा आप पे अत्याचार नहीं करेगी, उसका आंसर हॉर्स ही देगी, बी वाला ही देगी, ठीक है, ठीक ना।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो ये इंडिया गेट नहीं है, इंडिया गेट नहीं है, इसका सी है, बाकी सब है, कुतुब मीनार है, लाल किला है, ये तो है, इंडिया गेट नहीं है, ठीक है, इंडिया गेट नहीं है। 57 का देख लेते हैं, 57 का देख लेते हैं, ये पूछ रहा था कॉन्सेप्ट ऑफ द डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी किसे लिया गया है, ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है, तो सबको आपको पता है आयरलैंड, इसका आंसर आयरलैंड लिया गया, तो इसका सी है, इसका जो 57 है डायरेक्ट प्रिंसिपल किससे लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है, आयरलैंड से वो लिया गया है, ठीक है, आयरलैंड से इसका क्वेश्चन जो है आंसर जो है सी है, डायरेक्ट प्रिंसिपल जो है वो किससे लिया गया है, तो आयरलैंड से, ठीक ना, ये आयरलैंड इसका सी है, ठीक ना। भारतीय संविधान में राज के नियंत्रण सिद्धांत अवधारणा किस देश से ली गई है, तो आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है, आयरलैंड से लिया गया है, ठीक। 57 58 देख लेते हैं, 58 देख लेते हैं, ये पूछ रहा है सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज कब बना, तो ये 1975 में, इसका बी है, सिक्किम भारतीय संघ में पूर्ण राज का दर्जा कब दिया गया, कब इसको राज बनाया गया, तो 1975 में, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 59 कि निम्नलिखित में से किस मुद्रा सबसे महंगी होती है, तो पाउंड सबको पता है, पाउंड का वैल्यू सबसे ज्यादा है, पाउंड का वैल्यू सबसे ज्यादा है, ठीक ना, ये 59 का, ठीक है। 60 का देख लेते हैं, 60 का देख लेते हैं, कि बिहार सरकार, ये बिहार स्पेशल का क्वेश्चन है, कि बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य में प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई, तो 2024 तक, ये 2024 तक इन्होंने बनाई, तो इसका आंसर 60 का बी है, 60 का बी है, ठीक है, 60 का बी है, ठीक। फिर आगे देख लेते हैं, कि इन द इंडियन आर्ट ऑफ द कंस्ट्रक्टिव स्तूपा और चैत्य और बिहार किससे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, चैत्य बिहार ये सब किससे रिलेटेड है, तो बुद्धिज्म सभी को पता है, बुद्धिज्म से रिलेटेड है, तो इसका आंसर बुद्धिज्म, ठीक है, 61 का आंसर बुद्धिज्म, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। 62 ठीक है, सिक्सटी टू क्वेश्चन नंबर जो है आपका, ये आपसे पूछ रहा है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट व्हाट इज अ सुजनी इन बिहार, बिहार ये सुजनी, बिहार ये बिहार का स्पेशल है, ये सुजनी एक कपड़ा होता है, ये इसका द टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी मतलब क्या होता है, सी है इसका, सुजनी होता क्या है मैं बता दूं कि बिहार के गांव में आप देखेंगे जो पुराना कपड़ा बच जाता है उसको सी के बनाया जाता है, उसको उसी को बोलते हैं, उसको गुदरी भी बोलते हैं, ये भी बोलते हैं, ठीक, तो बहुत सारा उसके नाम है, तो सुजनी क्या था, तो टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी था, ये वाला कपड़ा का रिलेटेड है,
कपड़ा से रिलेटेड है ये, ठीक है। ठीक, 63 का देख लेते हैं, 63 का देख लेते हैं, 63 का देख लेते हैं। कि बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित में से कथन पर विचार कीजिए। यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में है, गलत है क्योंकि यह भागलपुर में है। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल ने की थी, ठीक है, यह भी गलत है, धर्मपाल ने की थी, इसका धर्मपाल ने किया था, ठीक, और धर्मपाल ने किया था, और इसका है धर्मपाल ने इसका किया था, ठीक। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं और बाकी के जो स्टेटमेंट है वो सही है, मतलब 3 और 4, ये 3 और 4 इसके सही हैं, ठीक ना। तो देख लेते हैं 3 और 4 इसमें कौन है, 3 और 4 अच्छा ये आपसे पूछ रहा है उपयुक्त में से कथन गलत कौन है। हाँ तो एक और दो मतलब एक दो कहां है, ये वाला सी वाला एक दो कथन गलत है, बाकी 3-4 जो कथन ये सही है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक, इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक ना, आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक। 64 का देख लेते हैं, 64 का ये 64 पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन है 64 कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द अराइवल ऑफ बाबर इनटू द इंडिया लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर ऑफ द सम कॉन्टिनेंट, गलत है, इसे पहले ही हो गया था। इंट्रोडक्शन ऑफ द आर्च एंड डोम इन द रीजन ऑफ द आर्किटेक्चर, ये गुमन उमन का प्रयोग पहले ही से हो रहा था, दिल्ली सल्तनत से ही हो रहा था, ठीक है। तो इसका ये सही है, 3 और 4 आंसर इसका सही है। तो 64वां का देख लेते हैं, 3 और 4 कहां है, कौन से वाले में है, 3 और 4 ये सी है, ठीक, 64 का आंसर सी है, 3 और 4, ठीक ना, 3 और 4 है, ठीक। आपसे फिर 65वें क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का कहा जाता था, तो ये सूरत कहा जाता था, यहीं से मक्का के लिए लोग भेजे जाते थे। बाद में आपको पता है कि जब सूरत से भेजना स्टार्ट कर दिया गया, तो जब पुर्तगालियों का यहाँ पे साम्राज्य स्थापित हो गया बंदरगाह पे, तो उन्होंने क्या कर लिया, वो टैक्स कलेक्ट करने लगे सूरत के बंदरगाह से, जो लोग जाते थे मक्का मदीना, ठीक ना। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका 66 कि अष्ट प्रधान पूछ रहा है आपसे, 66 है कि अष्ट प्रधान मंत्रिपरिषद किसकी थी, तो मराठा का था 66 मराठा का था अष्ट प्रधान, आपको पता ही है, ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक ना, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था। 67 देख लेते हैं, 67 द पेंटिंग ऑफ द बोधिसत्व पद्मावती इज लोकेटेड इन द अजंता, ये अजंता में है, ठीक है, बोधिसत्व का पेंटिंग जो है ये आपको अजंता में मिलता है, ठीक। 68 है, 68 इसको देख लेते हैं,
ये दोनों स्टेटमेंट को क्या क्या दिया गया है कि ये स्टेटमेंट, ये चंद्रगुप्त वहां होना चाहिए था और हर्ष नीचे होना चाहिए था, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हो जाता, लेकिन दोनों स्टेटमेंट को गलत हो गया है, तो इसका नन ऑफ द एवव 68 का नन ऑफ द एवव डी इसका आंसर है, ठीक ना, डी इसका आंसर है, ठीक। 69 को देख लेते हैं, 69, ठीक। चरक चिकित्सक ये वाला ए हो जाएगा, ब्रह्मरुद्र गणित, वाराहमिहिर क्या है ज्योतिष है, विशाखादत्त नाटक है, ठीक। तो इसका 69 का ए वन था और 70 का देख लेते हैं कि हु एमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूसेस द पर्शियन फेस्टिवल नवरोज, नवरोज इंडिया में किसने स्टार्ट किया था, तो बलवन ने किया था, ठीक है, नवरोज बलवन ने किया था और बाद में औरंगजेब ने इसको खत्म कर दिया था, ठीक है। 71 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 नाथपंथी सुधास एंड योगिस में द डेपोटेशनल रिलीजन पॉपुलर, मतलब ये जो नाथपंथी जो थे साधु लोग, उन्होंने अपने पंथ को किस वाले क्षेत्र में ज्यादा लोकप्रिय बनाया था, तो वो उत्तरी क्षेत्र में, नॉर्थन इंडिया में थे, ठीक है, ये नॉर्थन इंडिया में थे। तो मेरा जो अभी सेगमेंट था 71 क्वेश्चन का, 1 से लेकर 71 क्वेश्चन विपेशी का चर्चा करने का था, तो आशा करते हैं कि ये आपको अच्छे लगे होंगे, अच्छे क्वेश्चन आए होंगे, अच्छे आंसर थे इसमें, ठीक है, और इसे आप मिला लीजिएगा, आप जो नेक्स्ट सर हैं वो 71 के बाद जो आपका जो क्वेश्चन नंबर्स आएंगे उस पर आपको डिस्कस करेंगे और आंसर बताएंगे, ठीक है। तो चलिए मेरे तरफ से बस इतना ही, तो नेक्स्ट सर भी आ रहे हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं, ठीक है। Welcome dear student, so hope you have enjoyed the Amit Jha sir classes, Amit Jha lecture. I will discuss remaining part of our BPSC prelims examination, and I think you all have attempted a very carefully. So let us start, let us discuss the remaining segment. What sir has concluded, thereafter we discuss. उसके बाद हम लोग discuss करेंगे, ठीक है। तो देखो, the question, the next question after it is 71. The question is, हाँ, नाथ पंथी सिद्ध एंड योगी मेड डिवोशनल रिलीजन, रिलीजन पॉपुलर इन, तो सर सेड दैट नॉर्दर्न इंडिया, सर हैज कंक्लूडेड
till this topic. Aate aage, next it is 72. Look, actually question number 72 is pertaining with wood dispatch. शिक्षा के क्षेत्र में वुड डिस्पैच आया था. तो देखो, इट वाज द पीरियड ऑफ लॉर्ड डलहौजी एंड डलहौजी. ड्यूरिंग डलहौजी पीरियड इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, ये फ्रेम होता है, एंड दिस वाज कंसिडर्ड एज मैग्ना कार्टा फॉर आवर एजुकेशन सिस्टम, वर्नाकुलर एजुकेशन सिस्टम. इंग्लिश मीडियम को यहाँ से प्रमोट किया गया. दिस वुड डिस्पैच suggested that our primary education would be provided into the local language, local medium. जो भाषा होगी वो स्थानीय भाषा होगी प्राथमिक में, लेकिन जो माध्यमिक और उच्च शिक्षा है उसकी भाषा इंग्लिश रखी जाएगी. तो it was the suggestion of this committees. So medium of education would be English for higher education. Again this committee suggested that women education should be the indispensable part of our education system. तो यहाँ से इसको भी एक थोड़ा सा impetus मिला, थोड़ा सा एक प्रोत्साहन मिलता है, and both suggestions were very fundamental, very relevant for our even development of education. आज का जो एजुकेशन है उसमें कहीं ना कहीं इसका योगदान था. तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज 73. द क्वेश्चन इज मैथिली लैंग्वेज वॉज स्टार्टेड टू डेवलप ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग डायनेस्टी. मिथिला जो भाषा थी इसका विकास किस डायनेस्टी में ज़्यादा दिखाई पड़ा. तो देखो, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वी ऑल नो मैथिली लिटरेचर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एंशियंट संस्कृत लिटरेचर एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट. तो वहीं से आया, लेकिन धीरे धीरे ये स्प्रेड हुआ. It was the Mithilanchal and their rulers that supported the rise of Maithili. तो यहाँ क्या होता है कि देखो, चेरो dynasty was the dynasty of झारखंड tribal belt. तो पलामू के साइड में था, इसने ऐसा कुछ नहीं किया. ओइनवार dynasty, you know, the very famous poet, it was विद्यापति. तो विद्यापति वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ हरि सिंह, एंड हरि सिंह बिलोंग टू दिस ओइनवार डायनेस्टी. तो ओइनवार डायनेस्टी जो थी उसमें मैथिली का एक विकास देखा गया, एंड इट बिकम द स्टेट लैंग्वेज. और वही मैथिली को इसका स्क्रिप्ट, यू नो वेरी वेल दैट तिरहुता स्क्रिप्ट इज द मदर स्क्रिप्ट ऑफ मैथिली. अनफॉर्चुनेटली इट एक्सटिंक्ट नाउ, अब वो नहीं रहा. तो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ 73 इज द ऑप्शन नंबर बी. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, वी टेक क्वेश्चन इन इंग्लिश एंड डिस्कस इन हिंदी. इंग्लिश में हम लोग लेंगे और हिंदी में डिस्कस करेंगे. Again, the next question, 74. Which city served as the capital of ancient kingdom of Magadha during Vedic period? So, you all know it is one of the very easy, very simple question. It was the Rajgriha, Rajgir, jo panch pahariyon se ghira tha, surrounded by 5 hills, Rajgir was the capital of the Haryak dynasty. Later it was replaced by Pataliputra. तो यहाँ से चेंज आया है. 75 नंबर क्वेश्चन, which of the following act about the Vernacular Press Act is correct? Vernacular Press Act के बारे में कौन सा सही है? Enacted by Lord Lytton. तो Vernacular Press Act, as you know, it is the Act of 1878 के आसपास इसको Lord Lytton ने enact किया, and the objective of this was very obvious. They attempted to seize the operation of Indian newspaper. अपने हिंदी में जो newspaper चल रहे थे उसको बंद करना था.
तो द गैगिंग एक्ट गेजिंग एक्ट इट वॉज ठीक है अगेन इट वॉज रिपील्ड बाय लॉर्ड रिपन सो ऑल द स्टेटमेंट रिलेटेड विथ दिस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इज ट्रू एंड दैट इज वाई एंसर वुड बी डी नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट द मायो रिजोल्यूशन लॉर्ड मायो proposed a resolution in the year 1870. The options are very dynamic but tricky in their nature. If we read carefully the options, we may have the answer. अगर हम options को ही देख लें तो हमारे पास question का answer निकल जाएगा. देखो, it was the first step that bifurcated central and provincial finances. It is true. Provincial government were empowered to administer certain services. It attempted to ratify the existing imparity. Again, focused on actual need of provinces. This were neglected. Actual need से उनको कोई मतलब नहीं था. Britishers was very serious, very concerned for the imperial need and imperial requirement. So that this option is incorrect. Now come to the answer, which one is correct? So the correct option answer is only 1 and 2 it was not an attempt to ratify impartiality theek hai impartiality se iska koi matlab nahi tha only 1 and 2 is correct options of this question only 1 and 2 now niti shastra to I think you all have memorized the author and their books column and it is very common question kamandak was the author of this niti shastra futuhat e alamgiri next question is written by who so this medieval text was written by a writer it was mirza muhammad kazim beg it was written by मिर्जा मुहम्मद काजिम बेग दैट इज वाई द ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर नाउ नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज अगेन वेरी पॉपुलर इन बीपीएससी को उस पीरियड से बहुत लगाव है तो देखो चाइनीज सोर्स महावर्मन द रूलर ऑफ श्रीलंका According to Chinese sources, Mahavarman, the ruler of Sri Lanka, sent missionary to which of the following Gupta kings for permission to build a Buddhist temple at Gaya. So it was the Gupta ruler Chandragupta II. During this reign, what happened? They pleased for a land for such a school and later it came to known as Nalanda University. Again, very simple question. It was Bihar first separated from Bengal in which year? So you know very well it was Dr. Sachidanand Sinha that spearheaded the separate territory for Bihar. So Sachidanand Sinha ke netritv mein andolan hota hai and they presented multiple argument in favor of such demand. तो इसको लेके फाइनली वो साल आया 1912 जब एक दिल्ली दरबार कंडक्ट होता है दिल्ली में और यहाँ से बिहार को एक सेपरेट आइडेंटिटी मिलती है बिहार बिकम अ सेपरेट स्टेट फ्रॉम द बंगाल रीजन ठीक है तो ए ऑप्शन इज करेक्ट फॉर 89 नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट इट इज 81 Consider the following statement regarding Lake Victoria. You all know Lake Victoria is located this way here in Africa. So Lake Victoria first statement says that the third largest freshwater lake in the world by surface area. Very basic question. You all know.
द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन टर्म्स ऑफ सरफेस एरिया इज लेक सुपीरियर ऑफ यूनाइटेड स्टेट एंड कनाडा। लेक सुपीरियर के बाद ही ये विक्टोरिया आता है, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है। सेकेंड, इट इज़ वन ऑफ द ग्रेट लेक ऑफ अफ्रीका। येस ऑब्वियसली, सो देयर आर अ चेन ऑफ लेक इंक्लूडिंग लेक मालावी, लेक रवांडा, तो यहाँ पे बहुत सारे लेक हैं, लेक टंगानिका, तो वहाँ पे उनमें से एक ये है। इट बॉर्डर्ड बाय फोर कंट्री, नो ओनली थ्री कंट्रीज देयर, दैट इज केन्या, युगांडा एंड तंजानिया। रवांडा इज लोकेटेड समवेयर आउटसाइड द पेरीफेरी ऑफ दिस लेक, तो रवांडा इसका ऑप्शन नहीं होगा, दैट इज वाई थ्री इज रॉन्ग। अगेन, द ओनली आउटफ्लो फ्रॉम लेक इज नाइल रिवर, येस इट इज ट्रू, नाइल रिवर। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, तो इनकरेक्ट कौन सा है? तो देखो, इसको बनाने के लिए हमको थोड़ा दिमाग ओपन करके रखना पड़ेगा कि सही नहीं पूछा गया है। तो इनकरेक्ट वन दैट दिस ऑप्शन फर्स्ट इज इनकरेक्ट, अगेन थ्री इज इनकरेक्ट, सो द एग्जैक्ट आंसर वुड बी द विल बी द ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नाउ 82, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हीट वेव। हीट वेव मतलब गर्मियों के समय में जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो एक अलग हीट वेव चलने लगता है। इट कॉजेस समटाइम फेंटिंग ऑफ इंडिविजुअल, लोग बेहोश होने लगते हैं। ठीक है, लू से अक्सर हीट वेव आता है। तो यहाँ जो ऑप्शंस है इसमें इन्होंने क्या किया है कि इस पॉइंट को यहाँ पर होना चाहिए था। द हीट वेव इज कंसिडर्ड इफ मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ स्टेशन रीचेज एटलीस्ट 30 और मोर फॉर प्लेन्स। तो अगर इसको हम लोग कॉमन एक ऐसे ही आसपास की चीज़ों से जोड़े तो 30 डिग्री तो हमारे यहाँ नॉर्मल है। इन मे और इन जून यू मे हैव एक्सपीरियंस दैट हाउ टेम्परेचर क्रॉसेस दिस मार्क 30 डिग्री सेल्सियस यूजुअली, सामान्यतः इससे ज़्यादा होता ही है। तो दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस हीट वेव। अगेन 40 डिग्री और मोर फॉर हिली रीजन, नो इट इज ऑल्सो रॉन्ग, इट इज 30 डिग्री। तो यहाँ पर दोनों के दोनों ऑप्शन गलत हैं इसके। हिली प्लेन रीजन में हीट वेव कंसिडर किया जाता है जब वो टेम्परेचर 40 डिग्री से ज़्यादा होगा, एंड हिली रीजन में 30 डिग्री तक का एक माना गया है। तो ऑप्शन डी फॉर द 82 नंबर क्वेश्चन इज करेक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट, द प्लेस ऑफ बर्थ रिलेटेड विथ रिनाउंड एक्सप्लोरर। तो देखो, यहाँ पे हर एक एक्सप्लोरर का अपना एक कंट्रीब्यूशन रहा है, और इसका जो कंट्रीब्यूशन हम लोग देखें तो क्रिस्टोफर कोलंबस, यू नो इट डिस्कवर्ड द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो ही बिलोंग्स टू द इटली, कोलंबस वाज ऑफ इटली। जैक कार्टियर, इट वाज फ्रॉम फ्रांस। ड्रेक, फ्रांसिस ड्रेक, इट वाज यूनाइटेड किंगडम। एंड मैगलन, पोर्तुगीज। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ 83। नाउ नेक्स्ट, द एमिरात ऑफ यूएई। देखो, एमिरात ऑफ यूएई, यूएई मींस यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड अरब एमिरात। इसका मतलब ये हुआ कि इट इज बेसिकली रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन मोर टू और मोर प्रोविंसेस, टू और मोर एमिराट्स। तो ये कोई एक नहीं है, बल्कि इसमें ये सातों एमिराट्स जो आबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, रास, काहिमान है, ये सब मिलते हैं तब जाके यूएई बनता है। रास अल खैमा बिकम द पार्ट ऑफ एमिरात लेटर। अब आते हैं, द रिवर सुवर्णरेखा ओरिजिनेट्स नियर विच ऑफ द फॉलोइंग विलेज। सुवर्णरेखा, यू नो वेरी वेल अबाउट दैट रिवर, इट इज वेरी रिनाउंड रिवर सिंस आवर टिस्को प्लांट, द टाटा आयरन एंड स्टील प्लांट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ दिस सुवर्णरेखा। सो दिस रिवर राइजेस नियर द विलेज नगरी, नगरी से ये निकलता है। अब आते हैं आगे हम लोग, नेक्स्ट, इट इज 86, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन बिहार।
तो देखो आजकल जो नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इनके बारे में क्वेश्चन बड़े कॉमन हो गए हैं. आई डिस्कस्ड अर्लियर इन क्लास इन डिटेल अबाउट दैट. यहाँ पर अगर हम देखें तो वाल्मीकि नेशनल पार्क, यू नो वेरी वेल वाल्मीकि इज लोकेटेड इन वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट. आवर सोमेश्वर, हरहा वैली, दून वैली इज लोकेटेड, इज स्प्रेडेड देयर. तो वाल्मीकि इज करेक्ट. सो वी हैव टू आइडेंटिफाई, वी हैव टू चेक ओनली ए एंड सी ऑप्शन, केवल ए और सी को चेक करना है. नाउ लास्ट वन, थ्री एंड फोर, दुधवा. यू ऑल नो दुधवा इज लोकेटेड इन यूपी, तो इट इज इनकरेक्ट. गजनेर एंड भीम बांध, गजनेर इज अनदर प्लेस, भीम बांध इज इन बिहार. सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. भीम बांध मीन्स ये जो भागलपुर मुंगेर वाला भीम बांध है उसी के बारे में ये पूछा जा रहा है. और द फीचर ऑफ गंगेटिक डॉल्फिन, तो वी ऑल नो दैट गंगेटिक डॉल्फिन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्पीसीज रिगार्डिंग बीपीएससी एज वेल एज फॉर यूपीएससी, बहुत इंपॉर्टेंट है वो. तो गंगेटिक डॉल्फिन के कैरेक्टर्स को पूछा गया यहाँ पे. गंगेटिक डॉल्फिन हैज़ बिन कैरेक्टराइज एज इंडेंजर्ड स्पीसीज. यस इट इज़ ट्रू, ये बहुत दिनों से इंडेंजर्ड स्पीसीज है. इट डजंट हैव क्रिस्टलाइन आईज. यस इट इज़ ऑल्सो ट्रू, इसका क्रिस्टलाइन आई नहीं होता है. एंड दैट इज़ वाई इट बिकम अ ब्लाइंड, पार्शियली ब्लाइंड स्पीसीज. नेविगेशन एंड हंटिंग इट इज़, इट यूजेस साउंड वेव, जिसको कि इको लोकेशन कहा जाता है. साउंड वेव से ये आगे चलता है. इट हैज़ बिन रिकॉग्नाइज एज नेशनल एक्वेटिक एनिमल. ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस 87th क्वेश्चन. नाउ 88, द अदर नेम ऑफ गंडक. सो यू नो रिवर गंडक, अदर नेम नारायणी, वेरी फेमस इट इज. गोल्ड इज फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट. देखो गोल्ड के बारे में अभी ये हुआ है कि इन जमुई वेरी ह्यूज रिजर्व ऑफ गोल्ड आइडेंटिफाइड इन बिहार एंड दैट कंसिस्ट अबाउट 25% ऑफ टोटल गोल्ड ऑफ इंडिया. पूरे भारत का ही वो 25% है, लगभग 225 मिलियन टन गोल्ड है. बट द इश्यू इज दैट द पार्टिकल पर मिलियन इज वेरी लो, बहुत कम पार्टिकल्स हैं. सो इट विल टेक मोर मनी इन्वेस्टमेंट इन कंपैरिजन टू द एक्सट्रैक्टेड मिनरल्स, तो दिक्कत उससे आ जाएगी. जमुई विल बी द करेक्ट आंसर. सोनो रीजन इज द प्लेस वेयर वी कैन फाइंड रिच डिपॉजिट ऑफ आयरन, रिच डिपॉजिट ऑफ गोल्ड. नाउ नेक्स्ट इज त्रिवेणी कैनाल. सो त्रिवेणी कैनाल, यू नो वेरी वेल दैट इट इज द ब्रांच, इट इज द पार्ट ऑफ आवर गंडक मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट एंड इट प्रोवाइड इरीगेशन फैसिलिटी टू वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार. अब आते हैं 91, रिच प्लेसर डिपॉजिट ऑफ गोल्ड फाउंड ऑन घाना कोस्ट एंड गोल्ड बियरिंग विंस ऑफ ब्राजील. तो प्लेसर डिपॉजिट, व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्लेसर डिपॉजिट, यू नो वेरी वेल इट इज काइंड ऑफ गोल्ड डिपॉजिट. गोल्ड कैन बी एक्सट्रैक्टेड विथ टू डिफरेंट टाइप ऑफ सेडिमेंट, टू डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट, दैट इज गोल्ड नेगेट और गोल्ड प्लेसर. दो तरीके के पदार्थों से सोना निकलता है, एक कहते हैं गोल्ड नगेट और दूसरा है हमारा प्लेसर, जो नदियों का बालू होता है. तो यहाँ पर हुआ ये कि प्लेट टेक्टोनिक से ये दोनों ब्राज़ील का और घाना का कोस्ट कुछ ऐसे अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो दिस विल बी द कोस्ट ऑफ अफ्रीका एंड दिस विल बी द कोस्ट ऑफ आवर नॉर्थ साउथ अमेरिका. व्हाट हैपेंड, घाना एंड ब्राज़ील वर यूनाइटेड वंस टुगेदर, कभी दोनों एक साथ जुड़े हुए थे. दैट इज़ वाई देयर इज़ अ सिमिलैरिटी बिटवीन द रॉक सीरीज ऑफ घाना एंड ब्राज़ील, दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज़ हैं. इसीलिए एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दिस कंटिनेंट वर ज्वाइंटेड टूगेदर अलोंग अटलांटिक कोस्ट. सो दैट्स वाई द सेम काइंड ऑफ मिनरल्स इज देयर. सो आई सजेस्ट यू ऑप्ट ऑप्शन ए एंड इट विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 91. नाउ कम टू द 92. बिहार जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ रॉक सिस्टम, मैच द रॉक सिस्टम. बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हम इसका आंसर बस एक से ही लगा लेंगे, बाकी कॉन्सेप्ट तो ध्यान में रखना ही है. देखो टर्सियरी, टर्सरी और क्वार्टरनरी. तो टर्सरी रॉक, यू ऑल नो दैट द रॉक सिस्टम और द
फिजियोग्राफिक रीजन डेवलप्ड ड्यूरिंग प्रेजेंट टाइम, तो टर्सरी वाला आज का है, इसके पहले क्वार्टरनरी, इसके पहले विंध्यन और धारवार सबसे पुराना है। तो अगर हम मैच करें तो देखो, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट इस पार्ट ऑफ इज नोन फॉर हरहा, सोमेश्वर एंड सोमेश्वर वैली। तो ये जो हमारा चंपारण है, इफ वी कोरिलेट ऑप्शन नंबर टू विथ सी, देन वी हैव ओनली वन ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 1, 3, 2, 4 इज द करेक्ट, मीन्स बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 92। अब आते हैं 93। बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, यूपीएससी को थोड़ा सा मैच करने का कोशिश किया है इन्होंने। देखो 93 क्या कह रहा है, इट इज ए स्टोरी एंड इफ यू आर अवेयर विद द लोकेशन ऑफ दिस बायोस्फीयर रिजर्व यू कैन इजीली हैंडल दिस क्वेश्चन। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड रिचेस्ट रीजन फ्रॉम अ मैराइन बायोडाइवर्सिटी। अब मैराइन बायोडाइवर्सिटी कहाँ होगा, नंदा देवी बायोस्फीयर, इट इज लोकेटेड इन द उत्तराखंड पार्ट ऑफ इंडिया। तो उत्तराखंड में समुंदर कहाँ से आ गया, ये तो पहले ही कट जाएगा। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी स्प्रेडेड अलोंग विथ और स्प्रेडेड इन द रीजन ऑफ तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, तो यहाँ भी समुंदर नहीं है। अब बचता क्या है, तो सुंदरबन एंड गल्फ ऑफ मन्नार। अब वो आगे, कॉम्प्राइजिंग 21 आइलैंड विथ एस्चुरीज, बीचेस, फॉरेस्ट, नियर शोर, सी ग्रासेस, कोरल रीफ एंड साल्ट मार्सेस, साल्ट मार्सेस एंड मैंग्रोव। यहाँ पे अगर साल्ट को भी एक बार दिमाग में पकड़ लिए तो योर आंसर विल आइडेंटिफाई, और इट इज द मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड हियर, लोकेटेड हियर मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, यहाँ पे तमिलनाडु के पास वाले पार्ट में। तो यही वाला इसका 93 का आंसर होगा। आओ कम टू द क्वेश्चन नंबर 94। अगेन इट इज अ बेसिक क्वेश्चन डिराइव्ड फ्रॉम योर टॉपिक टॉपिक टाइम एंड डेट। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, टाइम एंड डेट से आया है, और ये है कि व्हाट इज द लोकल टाइम ऑफ थिम्पू भूटान लोकेटेड 90 डिग्री ईस्ट। तो देखो, वी ऑल नो दैट जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम, प्रेजेंटली कॉल्ड यूटीसी, यूटीसी यूनिवर्सल यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट टाइम्स। तो ये जो हमारा टाइम है, अगर यहाँ पे जीरो बज रहा है और इसके ईस्ट में कोई पार्ट है, सपोज 90 डिग्री पे कोई पार्ट है, तो इस टाइम वुड बी द अहेड टाइम ऑफ दिस जीएमटी, उससे आगे का समय होगा। और वी ऑल नो दैट विथ चेंजिंग लॉन्गिट्यूड अबाउट 4 मिनट टाइम एडेड, 4 मिनट ऐड हो जाएगा, तो 9 × 4 मीन्स अबाउट 360 मिनट वुड बी देयर। इफ वी डिवाइड विथ 60 इट, देन वी हैव अबाउट 6 आवर, तो इट विल बी 6 PM। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑफ दिस। अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। 95, द नेचुरल गैस इज फाउंड इन धारवार रॉक फॉर्मेशन। नो, इट इज रॉन्ग। धारवार इज नोन फॉर मेटल्स लाइक आयरन, लाइक बॉक्साइड, कॉपर, इसके लिए। मीका इज फाउंड इन कोडरमा। यस, इट इज करेक्ट। झारखंड मीका रीजन, झारखंड कोडरमा, मीन्स अगर झारखंड को हम लोग ड्रॉ करें कुछ ऐसा, तो झारखंड का ये जो ऊपर का पूरा बेल्ट आ रहा है, यहाँ पे मीका बहुत मिलता है। कुडप्पा सीरीज, एक ही को सही करना है, कुडप्पा इज डायमंड, वो डायमंड अलग है उसका बेल्ट। पेट्रोलियम फाउंड इन अरावली हिल्स, ये नहीं मिलता है, ये भी गलत है, द मीका वाला ऑप्शन 95 का बी सही होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज हाउ मेनी लैटिट्यूड आर देयर ऑन ग्लोब ड्रॉन एट 1 degree इंटरवल। देखो इंटरवल भी है, लॉन्गिट्यूड्स को भी पूछा जा रहा है। तो वी ऑल नो दैट देयर आर अबाउट 181 लैटिट्यूडनल एंगल्स, एंगल तो बन रहे हैं ये, डिग्री में अगर लेंगे तो ये तो हमारे पास 181 एंगल बन के आएंगे, 90 इधर है, 90 ऊपर है, और एक 0 degree इक्वेटर का बन रहा है, बट इट इज नॉट ट्रू सिंस दे आर आस्किंग अबाउट 1 degree इंटरवल। तो 1 degree इंटरवल पर अगर बनाएंगे तो एग्जैक्ट नंबर द पोलार रीजन वुल बी रिड्यूस्ड, इसको हटाना पड़ेगा, एंड द ऑप्शन वुड बी 179। ठीक है, दो इसमें से हट जाएंगे, दोनों पोल वाले पॉइंट्स बनेंगे।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज द एवरेज हाइट ऑफ कोसी फ्रॉम सी लेवल. देखो बहुत लो लैंड है, दैट इज व्हाई इट फेसेस फ्रीक्वेंट फ्लड. सो द एवरेज हाइट इज अबाउट 30 meters, दैट इज व्हाई दिस रीजन इज नोन फॉर फ्रीक्वेंट फ्लड. नेक्स्ट द ऑन विच प्लेटू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर द इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन इंटरसेक्ट ईच अदर. इसका मतलब ये हुआ कि इसको थोड़ा दिमाग में ऐसे भी लगाना है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ये वाला पॉइंट मतलब 82.5 degrees ईस्ट, और दूसरा ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब ये कहीं पे आ रहा है एमपी छत्तीसगढ़ के रीजन में. ठीक है, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक दूसरे को काट रहा है, तो बुंदेलखंड प्लेटू. इट इज दिस पार्ट ऑफ बुंदेलखंड प्लेटू. ये तो नहीं होगा बघेलखंड, तो बघेलखंड इज पार्ट ऑफ दिस रीजन. बघेलखंड इज द करेक्ट आंसर. मालवा रीजन ये है इधर वाला, और नन ऑफ एवर तो ये तो नहीं होगा. तो ऑप्शन नंबर बी बुंदेलखंड इज द करेक्ट फॉर दिस 99 नंबर क्वेश्चन. इट सेज दैट विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड नॉट सिचुएटेड अलोंग द तिब्बत बॉर्डर. तो तिब्बत बॉर्डर अगर उत्तराखंड का कभी इंडिया का भी मैप अगर इस साइड का हम लोगों ने देखा है तो यहाँ पे उत्तराखंड है, और अल्मोरा काफ़ी बगल में है देहरादून के. ये अल्मोरा इसका आंसर है. चमोली इस तरफ काफ़ी दूर है, उत्तरकाशी तो ऊपर ही है. तो अल्मोरा विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ 99th क्वेश्चन. 100 अल्नीनो करेंट. तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है. यू ऑल हैव माइट अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन. इट इज आवर पैसिफिक ओशियन. पैसिफिक ओशियन में अल्नीनो करेंट भी है, अल्नीनो फेनोमेना भी है, और इन पैसिफिक ओशियन नियर द साउथ अमेरिकन कोस्ट ऑफ यहाँ पे हमारा जो कंट्री है पेरू कोस्ट है, पेरू एक कंट्री है, पेरू कोस्ट के पास एक फॉर्मेशन होता है टेम्पररी करेंट का, दैट इज कॉल्ड अल्नीनो. ठीक है, और आगे चले हम लोग. ये सब क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर ये गलत हो रहा है इसका मतलब कि यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड वेल, अच्छे से तैयारी नहीं किया है. आगे आओ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द लेंथीएस्ट क्वेश्चन. काफी सारे कंटेक्स्ट आ गए हैं. इट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉलेजियम. तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम इज अ 5-member बॉडी विच हेडेड बाई इनकमेंट CJI कॉम्प्राइजेस 4 other judges. इट इज ट्रू. पार्लियामेंट बाय लॉ हैज इवॉल्व द कॉलेजियम सिस्टम. नहीं, ये गलत है. यू नो वेरी वेल इट वॉज द रिजल्ट ऑफ सेकेंड जजेस केस जो 92-3 के आसपास आया है, उससे ये आया है. तो ऑप्शन नंबर 2 इज इनकरेक्ट. तो बी तो नहीं होगा. आते हैं द जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड ओनली थ्रू द कॉलेजियम सिस्टम. यस इट इज ट्रू. तो 1 and 3 इज द ट्रू आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. लास्ट वन कॉलेजियम सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय ईयर 1993, बट इट वॉज नॉट PN भगवती. उस समय भगवती रिटायर हो चुके थे, और वो फर्स्ट जजेस केस भी नहीं था, वो सेकेंड जजेस केस था. ठीक है, तो ये गलत है. अब आते हैं हम लोग. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ 101 नंबर क्वेश्चन. फिर से एक आसान क्वेश्चन पॉलिटी का है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग 42nd अमेंडमेंट एक्ट. इट एडेड न्यू वर्ड. यस एब्सोल्युटली करेक्ट. सेकुलर सोशलिस्ट एंड इंटेग्रिटी ये सही है. देयर आफ्टर इट एडेड 8 फंडामेंटल ड्यूटीज. नो, ओरिजिनली इट वॉज 10 फंडामेंटल ड्यूटीज. वन मोर एडेड बाई 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. तो ये 86वें संविधान संशोधन से एक और जोड़ा गया, तो इसका मतलब 2 इनकरेक्ट है. इट एडेड न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल लाइक आर्टिकल 39, आर्टिकल 43A. यस बोथ, बट वट अबाउट आर्टिकल 47? तो इट वॉज देयर इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन. 47 तो पहले से था, जिसमें ये था कि भाई हम लोग जो है हेल्थ और न्यूट्रिशन के लिए काम करेंगे. तो हमारा जो ऑप्शन बनता है इट इज ओनली 1 एंड लास्ट वन. हाँ, लास्ट भी है इनकरेक्ट 1. तो वी हैव टू आइडेंटिफाई 2 इनकरेक्ट ऑप्शन. वी हैव आइडेंटिफाइड हियर दैट ऑप्शन नंबर 2 इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 इज ऑल्सो इनकरेक्ट. सो ऑप्शन इसका C और D आएगा. इट ग्रांटेड पावर प्रेसिडेंट इन इलेक्शन
इट ग्रांटेड पावर टू प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विथ इलेक्शन कमीशन टू डिस्क्वालीफाई, ये सही है, और जो सी है वही इसका आंसर होगा. द नाउ द नेक्स्ट पार्ट, द स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर कम्युनिटी टू बी डिक्लेयर्ड अ शेड्यूल्ड ट्राइब. देखो अभी रिसेंटली 2010-11 की बात है, शेड्यूल्ड ट्राइब का एक पूरा का पूरा नया लेजिस्लेशन आया है, और यहाँ पर ये सारे इंडिकेशन ऑफ प्रिमेटिव ट्रेट्स, डिस्टिंक्ट कल्चर, साइनेस, बैकवर्डनेस ऑल हैव कंसिडर्ड एज अ पैरामीटर फॉर ट्राइबल्स आइडेंटिफिकेशन. अब फ्रॉम विच कंट्री इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव टेकन द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट. तो ये सबको पता है, इट वॉज द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका दैट वॉज नॉट ओनली द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड बट ऑल्सो इट वॉज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इम्बेडेड और एक्सेप्टेड द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट थ्रू अमेंडमेंट्स. तो बहुत सारे अमेंडमेंट के बाद अमेरिका में भी, अमेरिका ने सबसे पहले हमको फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया, एंड वी एक्सेप्टेड द आइडिया. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अनटचेबिलिटी. तो अस्पृश्यता, यू नो वेरी वेल अनटचेबिलिटी वॉज सोशल एविल एंड आवर आर्टिकल 17 सेज दैट दिस विल बी एबॉलिस्ड. तो इट विल बी अ क्रिमिनल ऑफेंस, अनटचेबिलिटी को आर्टिकल 17 डील करता है. अब आते हैं आगे, इट इज 106. द ऑथोरिटी टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट रेस्ट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज. इट इज 106. सो आवर प्रेसिडेंट बाय इट इज आर्टिकल 124, 125 और 127 इज एम्पावर टू डिसाइड द एग्जैक्ट नंबर ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट्स. सो हाई कोर्ट्स इट इज आर्टिकल 217, 217 नंबर आर्टिकल है जिसके थ्रू प्रेसिडेंट इज एम्पावर टू हैंडल. देखो रीजन इसका क्या हुआ कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेट्स लेजिस्लेटिव बॉडी इवन एग्जीक्यूटिव बॉडी फ्रॉम स्टेट टू सेंटर, दोनों को अलग करते हैं, बट वी फॉलो द इंटीग्रेटेड जुडिशियरी सिस्टम. दैट इज वाई इवन प्रेसिडेंट इज स्टिल इन चार्ज ऑफ दैट इश्यूज. तो प्रेसिडेंट ही उसका इंचार्ज है. आगे आते हैं, द फिफ्थ शेड्यूल डील्स विथ द गवर्नेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट. फिफ्थ शेड्यूल, ये जो हमारा शेड्यूल ट्राइब्स है इसको डील करता है, और शेड्यूल ट्राइब्स कहाँ के, तो जो हमारे सेंट्रल इंडिया के शेड्यूल ट्राइब्स हैं, अबाउट 10 स्टेट यहाँ पे आते हैं, MP, छत्तीसगढ़ लाइक स्टेट, ट्राइब्स ऑफ दैट स्टेट आर डील्ड विथ दिस शेड्यूल, उनको अलग से दिया गया. अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन इज हियर, इन विच केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गिव द फर्स्ट टाइम डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. सो यू ऑल नो इट वॉज गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब 1973, एंड द चीफ जस्टिस ऑफ दैट केस वॉज द SM Sikri. तो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हंसराज खन्ना, हंसराज खन्ना के रिकमेंडेशन पे उस समय जो 13 जजेस बेंच थी और उसका जो चेयरपर्सन प्रेसिडेंट थे वो थे SM Sikri. SM Sikri साहब एक्सेप्टेड द आइडिया ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर फॉरवर्डेड बाय हंसराज खन्ना, एंड दे सजेस्टेड दैट द पार्लियामेंट शुड नॉट इंटरफेयर इन द मैटर डिक्लेयर्ड एज द बेसिक स्ट्रक्चर. ठीक है, तो उसमें वो बात आ गई. अब आओ, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी वाला है, तो इसको भी एक ही ऑप्शन से बना सकते हैं, दैट इज 1925. 1925 मीन्स प्री इंडिपेंडेंस इरा. अब उस समय कौन सा बना, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस आज़ादी के बाद, बहुजन आज़ादी के बाद, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. तो इट वॉज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, बी का थ्री आ रहा है, एक ही ऑप्शन है ही बी का थ्री, इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. यू कैन फाइंड आउट अदर लाइक डी फॉर टू. ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस अभी बाद में ही बना है 98, इवन इट वॉज पार्ट ऑफ कांग्रेस. C4 बहुजन समाज पार्टी वादी पार्टी 1984, ए कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट 1964, इट इज रिजल्ट ऑफ बाइफर्गेशन. अब इन बाय विच आर्टिकल स्पीकर कैन अलाउ एनी मेंबर ऑफ हाउस टू स्पीक इन हियर इन मदर टंग. तो ये मदर टंग वाला जो है इसके लिए हमारा आता है 120(1) आर्टिकल 121
110 तो नहीं होगा क्योंकि ये बजट से रिलेटेड है, 122 और किसी प्रोसेस से है, 120 एक इसका सी 110 का आंसर होगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 111। हाँ, अब रिजर्व बैंक वाला है ये, तो इट इज़ पार्ट ऑफ योर इकोनॉमिक्स। यू कैन सी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ RBI इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या क्या आता है RBI के पास। RBI फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को कैसे डिसाइड करता है, तो उसके लिए ये चारों पैरामीटर यूज होते हैं, फॉरेन करेंसी, गोल्ड, STR, इवन ट्रेंचेस, और उसके बेस पर ही फॉरेन करेंसी रिजर्व और एक्सचेंज रिजर्व डिसाइड किया जाता है। अब रूल ऑफ ओरिजिन, तो ये एक नया क्वेश्चन है, रूल ऑफ ओरिजिन। देखो, रूल ऑफ ओरिजिन इज बेसिकली रिजल्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड कम्युनिकेशन। हमने जब अलाउ किया दूसरी कंपनियों को, दूसरी दुनिया के कंपनियों को कि आओ भाई हमारे यहाँ बेचो, तो इट बिकम अ वेरी फंडामेंटल क्राइटेरिया फॉर द प्रोड्यूसर, फॉर द कंपनीज। अब यहाँ पे रूल ऑफ ओरिजिन होगा, उसके बेनिफिट्स को पूछा जा रहा है कि रूल ऑफ ओरिजिन आर क्राइटेरिया नीडेड टू डिटरमाइन द नेशनल सोर्स ऑफ प्रोडक्ट। यस, ऑब्वियसली विथ दिस टैग वी कैन आइडेंटिफाई दैट MG मोटर इज प्रोड्यूस्ड बाय चाइना एंड एप्पल इज प्रोड्यूस्ड बाय अमेरिका। तो ये तो चीज़ें जरूरी है ही, सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। रूल हेल्प द कस्टम एजेंसी टू नो व्हाट रेगुलेशन एंड फीस अप्लाई। तो देखो, ये होता है कि वी हैव मल्टीपल फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, वी हैव मल्टीपल ट्रेड रिलेटेड अग्रीमेंट एंड इवन ट्रीटीज विथ मल्टीपल कंट्रीज। तो अब यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसको हम लोग प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट देते हैं, इवन अमेरिका जैसे देशों में भी हम लोग जानते हैं कि अलग प्रिविलेज मिलता है। तो ऐसे देशों का अगर ओरिजिन पता होगा तो कुछ स्पेशल प्रिफरेंस मिल जाएगा, एंड इन दैट केस द रूल ऑफ ओरिजिन विल प्रोवाइड द एग्जीक्यूटिव बॉडी टू यूज अ वेरी स्पेसिफिक लॉ फॉर दैट प्रोडक्ट, तो वहां पे उसको फायदा मिलेगा। तो 2 सही है, इट मीन्स 2 इज करेक्ट। करेक्ट बी एंड सी वी कैन आइडेंटिफाई आर इनकरेक्ट। देयर आर यूज फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड स्टैटिक्स। यस, इट इज ट्रू, इफ वी आर अवेयर विथ दैट कंट्री ऑफ ओरिजिन देन वी कैन easily account the export and import from a particular country। अगर हमको पता होगा कि चाइना से भाई इतना सामान आ रहा है और हम चाइना को उतना बेच रहे हैं, तो इन दैट केस रूल ऑफ ओरिजिन विल सेटिस्फाई आवर दैट पर्पस। तो 1, 2 and 3 अब कहीं पे नहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा। तो देयर इंपोर्टेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम द फैक्ट दैट ड्यूटी एंड रिस्ट्रिक्शन इन सेवरल केसेस डिपेंड अपॉन सोर्स ऑफ इम्पोर्ट्स। यस, तो अगर कोई ऐसा देश है जो हमारा एनिमी कंट्री है, होस्टाइल कंट्री है, गवर्नमेंट में इम्पोज अबाउट 200% एक्साइज ड्यूटी लाइक फॉर पाकिस्तानी गुड्स, तो ये चीजें इस तरीके से हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं 112 डी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, इट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इन्फेंट मोर्टलिटी रेट। क्वेश्चन नंबर 113। The question says it is the probability of dying between birth and exactly 1 year of age expressed per 10,000. ये 10,000 नहीं होता है, 1,000 पे इसको काउंट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज इनकरेक्ट हियर, पहले ऑप्शंस को हम लोग काट सकते हैं। नाउ बी एंड सी इज कंसिडरेबल। द इन्फांट मोर्टेलिटी रेट इन द ईयर 1950 वॉज 189। यस, इट वॉज करेक्ट। Thereafter, in the year 2019, the infant mortality rate was 30. Again, it is also correct. अभी एक data release हुआ है, उसी के बेस पर ये बनाया गया question है। और as per the sample registration system, bulletin registration, the state which highest infant mortality rate is Uttar Pradesh. No, it is not Uttar Pradesh. Uttar Pradesh में इसमें बहुत सारा काम हुआ है. You know very well, मध्य प्रदेश में 40 से ज़्यादा, 46 के आसपास दिखता है. और भी बहुत सारे ऐसे tribal belt हैं जहाँ पर इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ वाई ऑप्शन 4 इज इनकरेक्ट। सो वी हैव टू ऑप्ट दिस ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3, मीन्स द आंसर विल बी सी, सी इसका ऑप्शन होगा 113 का। आते हैं 114, दैट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज अ कॉन्सेप्ट इज बेटर एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस विच इनेबल्स। तो देखो, इसमें क्या है
कि जो ऑप्शन नंबर 4 है इसमें सब कुछ इन्होंने लिख दिया है, इंक्रीज इन द नॉलेज, स्किल डेवलपमेंट कैपेसिटी एंड द पीपल ऑफ द कंट्री, सो दैट वी हैव टू ऑप्ट द ऑप्शन नंबर डी इफ वी सपोज एक्सेप्ट द आइडिया इंडिविजुअल ऑफ कंट्री एक्यूमुलेट फॉर मोर कैपिटल. ऐसा कुछ नहीं होता है. ह्यूमन कैपिटल इज द टर्म यूज टू रेफर द स्ट्रेंथ एंड द कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल that have ability to even cultivate money, cultivate the wealth. तो ऐसे human capital को यहाँ पर पूछा गया है, आदमियों के इकट्ठा होने से और capital इकट्ठा करने से उसका कोई मतलब नहीं है. If suppose people are knowledgeable, skilled, then they can transform soil into gold. सोना, मिट्टी को सोना बना सकते हैं अगर वो skilled है. Now, next point, it is consider the following statement regarding insolvency and bankruptcy. देखो, इस question में इन्होंने क्या किया है कि बहुत tricky question है. Bankruptcy और insolvency, basically this thing is here. Bankruptcy basically is a legal process where asset or of the debtors are liquidated or recognized for the benefit of the creditors. मतलब जो बैंकरप्टी है ये एक लीगल टर्म होता है, जबकि इंसॉल्वेंसी वो है दैट फिनेंशियल स्टेट विच इंडिविजुअल और एंटिटी इज अनेबल टू पे डेरिफ और दिस थिंग्स. तो ऑप्शन 1 and 2 आर बेसिकली इनकरेक्ट, दोनों इनकरेक्ट. तो यहाँ इफ वी कवर अदर, इफ वी कंसिडर अदर ऑप्शन, देन वी हैव ओनली सी इज लेफ्ट एंड इट इज the insolvency and bankruptcy board of India is responsible for oversolving it. तो इसका C होगा. आते हैं 116 industrial policy resolution. तो we all know it is a basic question 1956. After independence it was the first industrial policy. second आता है ये, second industrial policy था 1956 का, और उसी के बारे में ये पूछा जा रहा है 1950 के बाद. इसके पहले भी एक 48 में इन्होंने बताया था, लेकिन उस समय हम पूरे इंडिपेंडेंस नहीं थे, हमारा हम लोग जो था वो गणराज्य नहीं बने थे, रिपब्लिक नहीं थे. यहाँ पे ऑप्शन 1956. आओ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम. अच्छा, ये बहुत लंबा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा. प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स बहुत इजी है, वी कैन अंडरस्टैंड दैट इट इज एन इंसेंटिव गिवन बाय द गवर्नमेंट एजेंसी फॉर पार्टिकुलर प्रोडक्ट्स टू द प्रोड्यूसर्स. जो उत्पादक हैं उसको एक उत्पाद को उत्पादित करने के लिए सरकार द्वारा दिया गया सहयोग ही ये कहलाता है. अब तो समझे जरा हम इसको कि क्या ऑप्शंस हैं. तो स्कीम ऑफर्स अ प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर एंड अट्रैक्ट लार्जर इन्वेस्टमेंट इन मोबाइल फोन एंड स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट. यस, इट इज ट्रू. स्कीम हैज टू कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट्स, नेमली ग्लोबल कंपनीज, डोमेस्टिक कंपनी. स्कीम एक्सटेंड एन एवरेज इंसेंटिव अराउंड 80% ऑफ नेट इंक्रीमेंटल सेल ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया एंड एलिजिबल फॉर 6 ईयर टारगेट इक्विपमेंट अंडर द PLI सेल इंक्लूड लैपटॉप, टैबलेट, ऑल पीस, अल्ट्रा स्मॉल फैक्टर. तो इसका जो ऑप्शन आ रहा है दैट इज क्वेश्चन नंबर 17 is basically only 2 and 3. The reason is that iska option 2 and 3 hai ki it is not only for mobile and manufacturing but it is for other produces like even handloom or other thing of केवल phone or electronics ke liye nahi hai, other products ke liye bhi aa raha hai. 2 sahi hai, 3 sahi hai, aur yahan par bhi isko sell include ye option bhi thode se chote kar diye gaye hain, that is why the D option is correct. और आगे चलते हैं हम लोग 118 स्वामित्व स्कीम. तो स्वामित्व स्कीम सेंट्रल सेक्टर स्कीम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइन. ये माइंस के अंदर नहीं आता है, हाँ ये माइंस के अंदर ही है. स्वामित्व स्कीम कम्स अंडर माइंस के अंदर नहीं है, सॉरी इनकरेक्ट. तो ये माइंस के अंदर नहीं है, ये रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है ये स्वामित्व स्कीम, और इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 इनकरेक्ट होगा. एज फार एज द स्कीम सिक्स टू क्रिएट जियो
पोजिशनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक कोर्स नेटवर्क, ये सही है। इसमें क्या होगा कि जो भी रूरल एरिया है उसके पूरे एरिया को मैप किया जाएगा और देयर आफ्टर एप्रोप्रिएट पॉलिसी एंड प्रोग्राम विल बी लेट डाउन बाय द एजेंसी। कोर्स, तो कोर्स का यहाँ पर दो मीनिंग होता है। यहाँ पर जो क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग है वो ये नहीं है, इट इज़ बेसिकली रियल टाइम डेटा ट्रांसफर। तो उसका दूसरा एक्रोनेम यूज होगा, 2 and 3 यहाँ पे रॉन्ग है, रॉन्ग है, 1 and 3 इज रॉन्ग, 1 and 3 इज रॉन्ग। वाइल स्कीम रिफॉर्मेटिव स्टेप एस्टेब्लिशिंग क्लियर ऑनरशिप ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी, हाँ ये इसी के लिए आया ही है, फॉर लैंड रिफॉर्म इट दिस स्कीम हैज इम्प्लीमेंटेड। अब आओ थोड़ा चले यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्सिक्वेंस ऑफ इनवोकिंग आर्टिकल 360 डिक्लेरेशन ऑफ फिनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल में क्या हो सकता है। तो द प्रेसिडेंट में ऑर्डर स्टेट टू रिड्यूस सैलरी एंड अलाउंस ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ एम्प्लॉय सर्विंग स्टेट, हाँ ये हो सकता है। मनी बिल और फाइनेंस बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेटर आर नॉट रिक्वायर्ड, अब क्यों नहीं रिक्वायर्ड होगा, सारा कुछ प्रेसिडेंट ने कहा है, तो प्रेसिडेंट विल बी द फाइनल अथॉरिटी टू अलाउ सच अ टैक्सेशन और पॉलिसी टू बी इफेक्टिव। तो दूसरा गलत है, 119 में 2 वी कैन आइडेंटिफाई अगेन। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट कैन इश्यू डायरेक्शन टू रिडक्शन ऑफ सैलरी, हाँ ये हो सकता है, जजेस एंड सुप्रीम कोर्ट। मनी और अदर फाइनेंस बिल आर टू बी रिजर्व फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट आफ्टर द पास बाय लेजिस्लेटर बाय स्टेट। तो यहाँ पर दो को अगर छोड़ दें हम लोग, यहाँ भी दो है, तो आवर ऑप्शन इज 1, 3, 4 एंड इट इज अ सुटेबल करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है 119। अब आते हैं हम लोग आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कुड पोटेंशियली कॉन्ट्रीब्यूट टू स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन अ इकोनॉमिक कंडीशन रिफर्स द वेरी हाई इन्फ्लेशन विथ अनएम्प्लॉयमेंट, और ये एक तरह का एक विरोधाभास है, इसको विरोधाभास है, एंड दिस कंडीशन रेयरली अपीयर्स। अब ये क्यों हो रहा है इंडिया में, तो हाई इन्फ्लेटरी प्रेशर ड्यू टू इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, हाँ गवर्नमेंट सरकार बढ़ा तो रही है लेकिन जॉब क्रिएट नहीं हो रहा है, दैट इज व्हाई द अनएम्प्लॉयमेंट इज देयर, डिक्लाइन इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड स्लगिश इकोनॉमिक ग्रोथ, यस इट इज द रीजन, डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, अभी कुछ डिमांड भी डिक्रीज हुआ है, अप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी, ये भी अधिक मजबूत हो गया है और इससे हमारा एक्सपोर्ट गिर रहा है, तो ऑल आर द कॉजेज ऑफ दिस स्टैगफ्लेशन, हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस। 120 आते हैं 121 पे, 121 इट इज एज पर इकोनॉमिक सर्वे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द ट्रेंड ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। तो देखो हमारा इकोनॉमिक सर्वे एज यू नो दैट एक्सप्लेन द इकोनॉमिक डेटा वेरी क्लियरली, तो ये क्या कह रहा है, इट हैज़ डिक्रीज FDI डिक्रीज ड्यू टू लेस पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन तो हमारे यहाँ बहुत है, तो ये तो गड़बड़ लग रहा है, ठीक है तो ये गलत है। और आगे इट हैज़ इंक्रीज कंपेयर्ड टू द प्री पेंडेमिक लेवल, अगेन इट हैज़ इंक्रीज रैपिडली विदाउट डिक्रीजिंग इन एनी फाइनेंशियल ईयर, इट हैज़ डिक्रीज ड्यू टू वीक ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन। द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 121 विल बी 2 and 4, ये दोनों इसके नहीं है, दैट इज इंक्रीज इन करेक्ट आंसर डिस्क्राइब द ट्रेंड इज द इट हैज इंक्रीज कंपेयर टू प्री पेंडेमिक लेवल, अभी ज्यादा हो चुका है, एंड 4 इट हैज डिक्रीज ड्यू टू वीक ग्लोबल इकोनॉमिक, ये दोनों यहां पे नहीं है इसके रीजन, दैट इज व्हाई ओनली 2 and 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अभी गया डिस्ट्रिक्ट की जनगणना जनसंख्या कितनी है, तो टू बी फ्रेंक ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं जो आपको तुक्का लगाना पड़ता है, अगर यू आर वेरी कंफर्टेबल विद दैट डाटा देन गो अहेड, अदरवाइज यू शुड लीव दिस क्वेश्चन। द एग्जैक्ट करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस इज 5098 59 lakh about 5980. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर दैट डज नॉट क्रिएट्स एसेट,
ऐसे जो होते हैं जिससे कोई संपत्ति वगैरह नहीं बनता है, तो इट इज द एक्सपेंडिचर ऑन इंटरेस्ट पेमेंट. इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं तो इससे क्या बनेगा? एक्सपेंडिचर ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी विल क्रिएट एसेट्स लाइक सपोज न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू इन्वेंशन वुड बी देयर. एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करेंगे तो भाई एसेट क्रिएट होगा ही, नन ऑफ अबव का कोई सवाल ही नहीं है. आप एक है आते हैं 124. Which of the following is not true about the globalization impact in India? It has expanded trade in goods and services. Yes, it has led to greater flow of foreign. ये भी हुआ है. Increased in export. Increase in export. Okay. And is greater than the increase in import. अब ये कह रहा है कि हम बहुत ज़्यादा सामान बाहर बेचने लगे हैं और कम सामान खरीदते हैं. Is it correct? तो यही तो दिक्कत है कि वी इम्पोर्ट्स अ लार्जर बास्केट ऑफ आइटम वाइल एक्सपोर्ट वेरी फ्यू आइटम्स. तो यहाँ पे यही ऑप्शन गलत है एंड यू शुड गो विथ द सी ऑप्शन. 125. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लेटेस्ट डेवलपमेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट फाइनेंस. अब यहाँ 125 इट इज बेस्ड ऑन डेटा. 125 बेस्ड ऑन डेटा. तो देखो क्या क्या हुआ है कि द फिजिकल डिफिसिट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट हैज रिच्ड 9.2% जीडीपी ऑफ जीडीपी ड्यूरिंग पैंडेमिक. ये सही है लेकिन दूसरे में दिक्कत आ गई है कि द फिजिकल डिफिसिट मॉडरेटेड टू 7.7%. ये ऐसा नहीं है, थोड़ा सा इसमें अलग डेटा आ रहा है. रेवेन्यू कलेक्शन ओवर द लास्ट टू ईयर गोन डाउन. ये भी सही नहीं है. द ऑप्शन ए इज करेक्ट. दैट इज वाई वी शुड ऑप्ट ए. रेवेन्यू कलेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन 126. विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर द रीजन्स ऑफ फेल्यूर ऑफ 1857 रिवोल्ट. हिस्ट्री से फिर से एज यूजल बिहार इज टिल्टेड. बीपीएससी इज टिल्टेड टुवर्ड हिस्ट्री. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अबाउट 40-50 क्वेश्चन यू कैन आइडेंटिफाई फ्रॉम दिस हिस्ट्री सेगमेंट. अब आओ यहाँ पे क्या है कि मिलिट्री सुपरियोरिटी. यस इट वॉज ट्रू. ब्रिटिशर्स वर इक्विप्टेड विथ मॉडर्न आर्म एंड आर्टिलरीज बट आवर इंडियन एजिटेटर्स वर इक्विप्टेड विथ ट्रेडिशनल आर्म्स एंड वेपन. तो पहला तो बिल्कुल सही है गिवन बिलो. वन इज करेक्ट. सेकेंड द रिबल डिड नॉट हैव यूनिफाइड प्रोग्राम एंड आइडियोलॉजी. यस इट इज ऑल्सो ट्रू. देयर वॉज अ लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी. तीनों बातें हैं. देखो यू नो वेरी वेल ड्यूरिंग दिस रिवोल्ट व्हाट हैपेंड. द जमींदार ऑफ पंडौल, इवन दरभंगा, इवन सम मोर रीजन सपोर्टेड ब्रिटिशर्स. तो इसलिए वी शुड ऑप्ट ऑप्शन नंबर सी फॉर दिस क्वेश्चन 126 के सी पे जाना पड़ेगा. आते हैं 127. द कुक फ्रॉम द बिहार. ये जो बतक मियां है इसी ने सपोर्ट किया था फ्रॉम बिहार. हु सेव्ड महात्मा गांधी लाइफ फ्रॉम मर्डर अटेम्प्ट. बतक मियां. आगे आते हैं द बकास्त मूवमेंट ड्यूरिंग 1937 वॉज ऑर्गेनाइज बाई हुम. तो ये हमारे स्वामी सहजानंद सरस्वती थे. ही स्पीयर हेडेड ही लेड दिस मूवमेंट. कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट ड्यूरिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज करना है. तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा डेट याद है तो बड़े आराम से कर लेंगे. जैसे मिंटो मार्लो 1909, खेरा सत्याग्रह इट वॉज 1916-17 इट वॉज 70 मार्केट, सूरत स्प्लिट 1907 एंड होम रूल 1916 में तिलक और एनी बेसेंट लेके आती है. तो नाउ अरेंज ऑल सच इन ऑर्डर. द फर्स्ट प्लेस सूरत स्प्लिट 1907. सबसे पहले तो सूरत ही आएगा. टू इज सीयर. देयर आफ्टर 3 और 4. मार्ले मिंटो 1909. सो दिस बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस. लॉर्ड लिट्टन वॉज नॉट एसोसिएटेड. तो लॉर्ड लिट्टन हमने देखा इज वॉज ड्यूरिंग द 1870s. तो यहाँ पर जो आर्म्स एक्ट था, वर्नाकुलर था, स्ट्रेचे कमीशन था, बट इल्बर्ट बिल. तो इल्बर्ट बिल अलग था. इट वॉज द बिल सेड दैट द इंडियन जजेस वुड हैव राइट टू एडजुडिकेट द मैटर परटेनिंग विथ ब्रिटिशर्स. तो यहाँ पर इल्बर्ट बिल गलत है. इट वॉज ड्यूरिंग द
period of William. It was Bentinck. No, actually it was Ripon. Ripon, during the period of Ripon, Ilbert Bill brought by the government. Again, which treaty was signed after Battle of Buxar? तो ये तो सबको पता है, बैटल ऑफ बक्सर fought between the Europeans and Indian rulers, and thereafter treaty of Allahabad were signed. Two treaty of Allahabad were signed, one with the Nawab of Awadh and one with the ruler of Delhi. Dutch East India Company established their factory in which year? तो it was 32. 1932 में ये इनका factory लगता है. Again, in which of the following movement Mahatma Gandhi make first use of hunger strike? तो देखो बात ये थी कि during Champaran revolt Mahatma Gandhi used the civil disobedience as a weapon, but it was basically Ahmedabad strike, that is Khera strike. He used hunger strike to exert pressure on the industrialist. Quit India movement was witnessed a significant contribution from the leader of Bihar. Which prominent leader was known as Bihar Kesari? Bihar Kesari हमारे कृष्ण सिंह को कहा जाता है. He was the first chief minister of Bihar. Again, in response of mass agitation, Champaran movement, British government took which step? तो यहाँ पर चंपारण movement के बाद एक committee आई थी, तो उस committee का नाम था चंपारण एग्रेरियन कमिटी. एंड दिस कमिटी फाइनली एक्सेप्टेड दैट द टैक्सेस और लेवी इज बीइंग टेकन बाय प्लांटर्स शुड बी रिड्यूस्ड, इवन सम अमाउंट शुड बी सेंड बैक टू द फार्मर्स, वापस भी कर देना चाहिए. 135. अब आते हैं आगे हम लोग 136. इट इज द मैच करना है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है. सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, यू ऑल नो दैट इट वॉज द आइडिया, इट वॉज द वर्क ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले. सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 2-4A. तत्वबोधनी यू नो वेरी वेल राम मोहन राय, इट वॉज देवेंद्र नाथ टैगोर. तत्वबोधनी सभा तो B-4-1, एंड आत्मीय सभा इट वॉज राम मोहन राय. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 136. नाउ नेक्स्ट 137. अंबाबाई. तो अंबाबाई वुमेन फ्रीडम फाइटर बिलोंग टू विच स्टेट? ये एक छोटी बच्ची थी एंड दे डिवोटेड हर सेल्फ फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, एंड सी हेल्स फ्रॉम द स्टेट कर्नाटका. कर्नाटक से वो आ रही थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन? तो कैबिनेट मिशन में तीन मेंबर थे. इट वॉज पी सी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस अलेक्जेंडर एंड स्टैफोर्ड क्रिप्स. इट वॉज क्रिप्स मिशन. इसमें जे एंड्रयूज नहीं था एंड इट इज रॉन्ग. पी सी अलेक्जेंडर, ए वी लॉरेंस एंड स्टैफोर्ड क्रिप्स. क्रिप्स को दोबारा बुलाया गया था आफ्टर द क्रिप्स फेल्योर ऑफ क्रिप्स मिशन. तो क्रिप्स भी था यहाँ पे, एंड्रयू नहीं था. 139. इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड ऑन द बेसिस सेफ्टी वॉल्व थ्योरी. तो इट वॉज लाला लाजपत राय हु मेड दिस कमेंट अगेंस्ट द कांग्रेस पार्टी उसी समय. इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन द रिजोल्यूशन रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट? तो ये तो कराची सेशन था. इट वॉज सरदार पटेल वॉज देयर एंड द रिजोल्यूशन रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट वर एक्सेप्टेड बाय द कांग्रेस पार्टी. रिमेनिंग क्वेश्चन अबाउट 10 क्वेश्चन सर विल डिस्कस. 10 क्वेश्चन अब सर डिस्कस करेंगे. सो आई एम लीविंग दिस सेशन. You should wait for a while. कुछ समय, एक दो सेकेंड में सर आपको जो नेक्स्ट 10 क्वेश्चन है उस पर आपको कुछ उसका आंसर डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग. यू शुड प्रिपेयर और चेक कर लो. इफ यू आर वेरी श्योर अबाउट सपोज 60, अबाउट सपोज क्वेश्चन बहुत हल्के हैं, तो तकरीबन
75 80 के आसपास अगर क्वेश्चन सही बन रहे हैं, काटकूट के घटा के अगर 80 के पास इफ यू हैव अबाउट 80 प्लस स्कोर, करेक्ट आंसर स्कोर 80, देन यू शुड स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, 80 के ज़्यादा है तभी मेंस की प्रोबेबिलिटी होगी। ओके, सो वेट फॉर अ वाइल्ड। हेलो, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? तो चलिए सर, लोगों ने सारे प्रश्नों का डिस्कशन कर ही दिया होगा लगभग यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, तो लगभग जो प्रश्न हैं हमारे, उन पे हम चर्चा करेंगे किस तरीके से। सारे हमारे सीसेट के प्रश्न हैं, सीसेट के प्रश्नों को देखेंगे। जहाँ पे इस बार आपका अगर बात करें तो मैथ और रीजनिंग के जो प्रश्न आते थे, यहाँ पे मैथ के प्रश्न इस बार लगभग कम देखे गए, एक ही प्रश्न यहाँ पे देखा गया, बाकी सारे प्रश्न लगभग क्या है, रीजनिंग के ही हैं। तो इन पर देखेंगे किस तरीके से सारी चीज़ें हैं, उन पर हम बात करेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और प्रश्नों को में देखते हैं। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न है वो ये है, इन सर्टेन कोर्ट लैंग्वेज गेम इज रिटन डॉलर। ठीक, इस तरीके से क्या है कि यहाँ पे गेम को लेकर कुछ यहाँ पे पॉइंट लिखे गए हैं जिन पे ये कहा गया कि इसको इस तरीके से दर्शाया गया है। कहीं पे डॉलर की बात की गई है, कहीं पे मल्टीपल की बात की गई है, और कहीं पे इसको जो है डिवाइड से किया गया, कहीं परसेंटेज को लेकर किया गया। तो वो पॉइंट पे यही कह रहा है कि यहाँ पर बीट को इस तरीके से लिखा गया है, तो मिड को क्या लिखा जाएगा, ठीक। यहाँ तो मेट को लेकर जो बात की गई वो यही है कि एक निश्चित कूट भाषा में गेम को क्या लिखा है गया, इस तरीके से लिखा गया, तो बीट को ये लिखा गया, तो कूट भाषा मेट को क्या लिखा जाएगा। तो जो पॉइंट है यहाँ पे आप देखिए, गेम जो एम है, ठीक, यहाँ पे ई है, ए है, ठीक। अब मेट पे देखिए, सोचिए, अब आप खुद ही सोचिए, एज ए नॉर्मल बहुत ज़्यादा सिंपल एक क्वेश्चन है। अब सोचिए, गेम में एम है, एम के लिए क्या लिखा हुआ है, स्टार लिखा हुआ है, ठीक। अब देख लीजिए पॉइंट कहाँ पर है, एक पॉइंट ये बन रहा है, एक पॉइंट ये बन रहा है, ठीक है, दोनों जगह। अब बाकी इसको आप कट कर दीजिए, ठीक। अब आपके जो है ऑप्शन में दो ही चीज़ बचे हैं, ऑप्शन में क्या हुआ है, आपके दो ही चीज़ हैं। तो अब देखिए आगे, ठीक, ए ए के पॉइंट पे हम क्या लिख रहे हैं, ए के पॉइंट पे हम परसेंटेज, तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन आगे चल रही है, ये भी ठीक चल रहा है, ठीक। फिर आगे बढ़ेंगे हम और यहाँ पे देखेंगे फिर हम डी के बारे में, ठीक। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी देखा था किस तरीके से डी को हम क्या डिकोड करते हैं, यहाँ पे हम इससे पॉइंट करते हैं, तो ये पॉइंट आगे बढ़ गई हमारी, और यहाँ पे अगर हम पॉइंट करके ए, और इस तरीके से हमारा ये पॉइंट सही हो जाता है, ठीक। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होता है, क्यों, क्योंकि गेम को किस तरीके से यहाँ पे देखा गया है, आप प्रश्न को देखेंगे इस तरीके से, बीट को यहाँ पे लिखा गया है, और जब आप मेट को लिखेंगे तो मेट को क्या, किस तरीके से इसको लिखा जा सकता है, तो मेट को लिखा जा सकता है यहाँ पे स्टार भाग दिया गया हुआ है, मल्टीप्लाई भी है, परसेंटेज भी है, ठीक। तो इसी तरीके से इसको हम देखेंगे, ये अपना हो जाएगा। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर देखते हैं इसके। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि क्यू पूर्व की ओर यात्रा करता है, एम उत्तर की ओर यात्रा करता है। तो एक पहले बना लेते हैं, इसका ड्रॉ कर लेते हैं कि यहाँ पे चीज़ें देखते हैं कि क्या क्या सारी चीज़ें हैं, किस तरीके से इसको देखा जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट देखें तो ये हमारा कहाँ पर है, ये हमारा नॉर्थ हो गया, ठीक, इसको हम उत्तर, ये हमारा पूरब हो गया,
ये हमारा पश्चिम का पार्ट हो गया और ये हमारा दक्षिण का पार्ट हो गया। ठीक, अब यहाँ पे जो प्रश्न कह रहा है कि क्यू पूर्व की ओर जाता है, तो पूर्व की ओर कौन है, यहाँ पे हम क्यू को रख लेते हैं। ठीक, यहाँ पॉइंट क्या है कि क्यू पूर्व की ओर जाता है, तो क्यू को हमने कहाँ रख लिया, क्यू को हमने रख लिया यहाँ पे पूरब की ओर। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हमने क्यू को रख लिया। एम उत्तर की ओर यात्रा करता है, तो एम को हमने कहाँ कर लिया, एम को हमने उत्तर की ओर कर लिया। ठीक, अब यस और टी के विपरीत दिशा में यात्रा करते हैं, तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो पॉइंट ये यस और टी, जो कि हमको आइडिया नहीं है कि यस और टी क्या है, तो हम उसको लेकर क्या करेंगे, बात करेंगे कि आखिर यस और टी यात्रा कहाँ कर रहे हैं। उससे पहले देख लेते हैं कि टी क्यू के दाईं ओर यात्रा करता है। एक और पॉइंट जो यहाँ पे दिया हुआ, दिया हुआ कि टी क्यू के दाईं ओर यात्रा करता है, तो टी क्यू के क्या करता है, दाईं ओर यात्रा करता है, तो क्यू के दाईं ओर यात्रा कर रहा है, तो ये क्या हुआ, ये दाहिना हुआ, तो यहां पर हम क्या कर लेंगे, क्यू। ठीक, तो अब ये कह रहा है कि क्यू जब दाईं ओर यात्रा कर रहा है टी, तो टी इस पॉइंट को क्या करेंगे, हम इस पॉइंट को हम टी रख लेंगे। क्यू यहाँ पे क्यू था ही हमारा पूर्व में, इसके दाहिने ओर कौन चल रहा है, टी चल रहा है, तो इसके विपरीत कौन होगा, क्यू, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है एस और टी क्या है, विपरीत दिशा में यात्रा कर रहे हैं, तो टी के विपरीत क्या होगा, तो टी के विपरीत में क्या होगा, एस होगा। टी के विपरीत में क्या होगा, एस होगा। ठीक, तो निम्नलिखित में कौन सा निश्चित रूप सत्य है, अब यहाँ प्रश्न कह रहा है, अब इसका उत्तर देना है कि क्या है, कौन सा होगा, फिर यहाँ पे ऑप्शन जैसे आप देखेंगे तो तुरंत आपको चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, यहाँ पे हो जाएंगी ऑप्शन डी, एम और एस एक ही, सॉरी जो टी और एस है ये क्या कर रहे हैं, एक ही दिशा में यहाँ पे टी की ओर यात्रा कर रहे हैं। ठीक, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। ठीक, चलिए अब आगे आते हैं, आगे इन प्रश्नों को देखते हैं। एक व्यक्ति रमेश है जिसके पास 100 वर्ग की भूमि का एक प्लाट है, वो अपने पड़ोसी सुरेश जिसके पास 100 वर्ग की एक भूमि है से 10% अधिक प्राप्त करके भूमि की प्लाट को बढ़ाता है। मतलब यहाँ पे जो प्रश्न है वो क्या है, एक भूमि से रिलेटेड है, जहाँ पे ये बात कही जा रही है क्या, एक व्यक्ति रमेश है जिसके पास 100 वर्ग की भूमि का एक प्लाट है, कितना 100 वर्ग। हालांकि अगर प्रश्न की बात करें तो यह आपके मैथ का प्रश्न है, जहां पे परसेंटेज की बात कही है, किसकी परसेंटेज पे, तो इस प्रश्न को हम निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 100 वर्ग थे और 10% अधिक बढ़ा लेता है, तो कितना परसेंट बढ़ा रहा है, ये 10% अधिक बढ़ा रहा है, तो यहाँ पे 10% अधिक बढ़ने के बाद कितना हो गया, 110 हो गया। ठीक, 2 साल बाद वह कुल प्लाट को क्या करता है, अपने 10% पड़ोसी को वापस भेज देता है, तो जब 10% ये पड़ोसी को वापस भेज रहा है, तो 110 में से 10% माइनस करेंगे कितना होगा, तो इसका परसेंटेज निकालिए, तो 110% का हम अगर 10% निकालते हैं तो ये निकल के आता है 99। ठीक, कैसे, तो एक मिनट, पहले सब कुछ इसको हटा ले। ठीक, यहाँ पर जो ये कहा जा रहा है कि जिसके एक व्यक्ति रमेश है जिसके पास क्या है, 100 वर्ग की भूमि प्लाट है, और अपने पड़ोसी सुरेश उसके पास भी क्या है, 100 वर्ग प्लाट है, तो दोनों के पास क्या है, दोनों के पास सेम है, 100-100 वर्ग के प्लाट शामिल है। ठीक है, और यहाँ पे जो पॉइंट कही जा रही है वो ये कही जा रही है कि उसने क्या किया कि 10% अलग जमीन खरीद ली, तो जब 10% खरीद लिया तो कितना हो गया, तो जब 10% खरीद लिया तो उस समय क्या हुआ, सुरेश की भूमि ज्यादा होगी, सुरेश के पास कितना होगा, 110% हो गया। ठीक है, अब 110% को अगर हम निकाले यहाँ पे, ठीक 10% अगर इसका निकालना है तो हम माइनस करेंगे, तो ये इधर कट गया और 11 बचा, तो 11 में से क्या करेंगे, 110 में से हम 11 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे 99 आएगी, और 99 क्या है, जब आप 99 देखेंगे 99 आ रहा है, तो 99 क्या हुआ, कम ही हुआ ना, किससे, रमेश से, भले वो 10% भी दे लेकिन रमेश से कम हुआ, तो इसलिए क्या हुआ कि सुरेश की जो भूमि है, अभी भी क्या है कि रमेश की भूमि से ज्यादा, क्योंकि रमेश भले उन्हें भेज दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी, सुरेश की भूमि रमेश से क्या है, अधिक है। ठीक, अब इसी तरीके से आगे अगर प्रश्नों की देखें, यहाँ पे आगे प्रश्नों की देखेंगे, कहाँ, सॉरी एक मिनट, ठीक, अब यहाँ पे
जो प्रश्न है वो 144 को देखेंगे, जहाँ पे कहा जा रहा है कि विकल्पों का बेजोड़ बेजोड़ नहीं होता है। जैसे हिंदी ट्रांसलेट क्या होती है कि गड़बड़ हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे चीज़ें गड़बड़ हो जाती, जबकि बेजोड़ ना करके क्या किया जाए यहाँ पे युग्मक मतलब बेमेल कहा जा सकता है, जो कि बेमेल ना हो। तो इसके पॉइंट है कि हालांकि बेजोड़ क्या एक ट्रांसलेटेड है, जिसकी वजह से ये सही नहीं है। तो मिलेरी नहीं, दरअसल आप जब पश्चिमी की तरफ देखते हैं ना, वहाँ पे जो टोपियाँ बनाई जाती हैं उनको क्या कहा जाता है, मिलेनरी, ठीक है। यह हालांकि देखा जाता है ये इंग्लिश का टर्म है, किसका, इंग्लिश का, इसको हिंदी में यहाँ पे दिया गया है। जहाँ पे मिलेनरी की बात की गई, तो मिलेनरी मतलब जो टोपियाँ जहाँ बनती है उसको पश्चिमी साइड में क्या कहते हैं, मिलेनरी कहते हैं, ठीक है। अगर उसकी दूसरी बात करें तो शराब, तो जहाँ शराब भी बनती है उसी सेवन को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ब्रेवरी, क्या कहते हैं उसको, उसको ब्रेवरी कहते हैं। इसलिए ये पॉइंट भी सही है, ये भी सही है। लेकिन स्टेशनरी, हालांकि ये सब क्या है, इंग्लिश के ही टर्म है, जहाँ पे स्टेशनरी कहा गया है, तो ये अब क्या है, स्टेशनरी मतलब कागज, जहाँ पे कागजों का क्या होता है, प्राग होता है। लेकिन स्नोबरी, स्नोबरी के अगर मर्थ अगर अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है घमंड, ठीक, जो काफी ज्यादा क्या है उसके नाक पे गुस्सा रहता है, घमंडी होता है, उसी को यहाँ पे स्नोबरी कहते हैं। लेकिन इसके पॉइंट में क्या है, जूता लिखा, इसलिए क्या होता है, ये बेमेल है। ऑप्शन डी क्या है, यहाँ पे ऑप्शन डी सही है, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अरे फिर बस एक मिनट रुक जाइए, प्रश्न आने दीजिए, कहाँ गया। बस बस क्या खुल गया, सॉरी एक मिनट, बस इसके बाद ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हाँ ठीक, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो प्रश्न था 144 पे थे हम, अब यहाँ पे आगे देखते हैं कि क्या है, उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक। तो 155 की बात करेंगे, जहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित संख्या में श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आना चाहिए। यहाँ पे देखा जाए तो एक गैप है, इसके पहले क्या है कि 132 लिखा, 156 लिखा हुआ है। अगर आप इन सभी के क्रम को देखें तो किस तरीके से यहाँ पे सारे पॉइंट हैं, आप उनको अगर नोट करने का प्रयास करेंगे किस तरीके से, तो वो पॉइंट है यहाँ पे। तो अगर इनकी बात करें, किसकी, अगर इनकी बात करें तो अगर इसको 11 से मल्टीप्लाई करें 12 में, तो लगभग कितना आएगा, 132 आ रहा है, ठीक। बहुत इजी प्रश्न है, अगर आप इसको ऐसे ही ऐड कर लें तो यहाँ पे देखेंगे तो 11 से अगर मल्टीप्लाई करें 12 की तो 132 आ रहा है, 12 की करें, 12 की मल्टीप्लाई करें 13 से तो कितना आ रहा है, 156 आ रहा है, ठीक है। तो वहीं अगर 13 मल्टीप्लाई करें 14 से तो उसका आंसर क्या आएगा, 182। इसलिए ये ऑप्शन क्या है, सही है, कौन सा, 145, ठीक है। तो 182 जो ऑप्शन है 145 का, यह बी नंबर, ये ऑप्शन सही है, क्यों, क्योंकि अगर 11 की मल्टीप्लाई करें 12 से तो उसका जवाब आएगा 132, ठीक है। इसी तरीके से अगर ऑप्शन बी की बात करें तो यहाँ पे 13 की मल्टीप्लाई 14 करें तो यह आंसर निकल के आ जाएगा सामने, जिसकी वजह से ये चीजें क्या होंगी, यह सही होंगी, 182, ठीक। चलिए आगे, अब प्रश्न नंबर देखते हैं, इसमें आते हैं बहुत ज्यादा सिंपल सा, सेलेक्ट द मिसिंग नंबर ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव। जहां पे ये बात कह रहा है, ये कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करिए। एक तो पॉइंट ऐसा होता है कि आप बहुत इजीली चीजों को यहां पे कनेक्ट कर सकते, जैसे 7 5 35, 7 49, तो आप इनको ऐड करके भी निकाल सकते हैं, 7 5 35, यहाँ 5 हो गया, 7 49 हो गया, तो इनको जोड़ लीजिए, 7 5 11 हो गया, 11 मल्टीप्लाई अगर आप आगे ऐड कर देते हैं तो 11, तो यहाँ पे कर देंगे मल्टीप्लाई 7, तो इक्वल टू कितना आ गया, 1177, क्यों, क्योंकि 7 49 और 7 5 35। अगर इस पॉइंट को देखें, जो प्रश्न है कह रहा है लुप्त संख्या को चुनिए, तो लुप्त संख्या या तो आप 44 और 37 में माइनस कर लीजिए, तो 44 37 माइनस करेंगे तो क्या आएगी ऑप्शन में, 7, ठीक है। 42 में 41 माइनस कर लीजिए, फिर उनको मल्टीप्लाई जो भी हो उनमें 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस तरीके से एक आंसर आ सकता है। दूसरा बहुत इजी ट्रिक यही है कि 7 5 35, 7 49 दोनों को ऐड करके 11 आया, 11 से तुरंत कर दिया 7 77 77, और ऑप्शन नंबर बी क्या हुआ, यहाँ पे सही हो गया, ठीक। तो बहुत इजी प्रश्न है, कोई ऐसा भी ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे चीजें देखनी पड़ेगी,
चीजें ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगी। चलिए अब अगले प्रश्न की बात करें तो 147 जो क्वेश्चन है वो कह रहा है दिए गए कथन के निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़िए और कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन के अनुसार है विचार कीजिए। यहाँ पॉइंट है अगर देखें एक दिवसीय क्रिकेट मैच में टीम ने कुल 200 रन बनाए जिनमें से 160 रन स्पिनरों द्वारा बनाए गए। कितना 160 रन जो है स्पिनरों द्वारा बनाए गए हैं। तो एक दिवसीय क्रिकेट मैच में टीम ने कुल 200 रन बनाए। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे जो है 160 200 मल्टीप्लाई 100 ठीक तो 80% खिलाड़ी क्या है यहाँ पे ऑप्शन कह रहा है स्पिनर है ओपनिंग बल्लेबाज, दूसरा ऑप्शन कह रहा है ओपनिंग बल्लेबाज है। अब इसका मिला ना कि इसमें कहना क्या चाह रहे हैं, इसे अगर पॉइंट देखें तो क्या है इसका जवाब, तो इसको देखते हैं। यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करें ठीक तो अगर देखें तो यहां से इसका अगर ऑप्शन निकालें तो 100 देखा जाए 200 रन है ठीक है, रन कितना है 200 है। अगर इसका परसेंटेज निकाले 160 यहां रख देते हैं और इस पॉइंट में क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दो इधर दो 60 तो 80 रन क्या हुए निकल के आए जो स्पिनरों द्वारा बनाए गए थे। टीम में क्या हुआ है कि 80 रन स्पिनरों द्वारा बनाए गए हैं जो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके चीजें निकल के आई यहाँ पे भाग देने परसेंटेज देने पे, उसमें से ये हुआ कि 80 रन स्पिनरों द्वारा बनाए गए हैं ना कि 80% खिलाड़ी क्या है स्पिनर है ठीक। यहाँ पे जो ऑप्शन पहला ऑप्शन है ये क्या है ये गलत हो जा रहा है, क्यों, क्योंकि टीम में 80% खिलाड़ी क्या है स्पिनर है जबकि हमने जो परसेंटेज के पे निकाले तो परसेंटेज पे हमने जो चीजें निकाली हैं 200 बटे 160 बटे 200 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुई 100 अगर इसको काट दिया तो यहाँ 2 × 80 हो गया तो 80 जो आया इसी 80 के अनुसार ये चीजें निकल के आए कि यहाँ पे टीम में 80% खिलाड़ी स्पिनर नहीं है बल्कि जो स्पिनर थे उन्होंने कितने रन बनाए, उन्होंने 80 रन बनाए। कितने, उन्होंने 80 रन बनाए ठीक है और ओपनिंग बल्लेबाज स्पिनर थे तो जरूरी थोड़ी है कि ओपनिंग बल्लेबाज स्पिनर ही हो, ओपनिंग बल्लेबाज कोई बल्लेबाज भी कर सकता है, कोई बैटिंग जो अच्छी बैटिंग करता वो कर सकता है। इसलिए क्या है यहाँ पे दोनों कथन गलत हो जाते हैं ठीक है। पहला तो 80% स्पिनर थे ये इसलिए गलत है क्योंकि 80 रन सिर्फ स्पिनर ने बनाए हैं ना कि 80% स्पिनर थे ठीक। इस तरीके से एग्जाम 147 क्या हुआ आपके सॉल्व हो गए ठीक। चलिए 147 की बात करते हैं, 148 की। तो यहां पे आप ऑप्शन देखिए जहां पे लिखा हुआ है कि ग्रेट, एक कूट भाषा में क्या हुआ ग्रेट को लिखा जाता है 71 देखा जाए तो 7182226200 इस टाइप का दिया हुआ है तो मॉम को ऐसा लिखा जाता है तो यहाँ को बिगोरस को क्या लिखा जाएगा तो पॉइंट यही है। अगर आप इसको देखिए तो यहाँ पे जी लिखा हुआ है, आर लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है, ए और टी ग्रेट ठीक है। अब आप तुरंत क्या करिए कि पहले इसमें देख लीजिए कि किस तरीके चीजें अलग हैं। तो जहां पे जी को 7 लिखा गया, आर को 18 लिख दिया गया लेकिन ई को वही 22 लिख दिया गया, ई को क्या लिख दिया है 22 लिख दिया गया। इसका कारण क्या रहा है, इसका कारण यही रहा है कि इसने क्या किया है ई की उल्टा, ई के उल्टा जो है वी होती है ना उसको कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट इसलिए कर दिया कि यहाँ पे ई ए ई आई ओ यू जो वॉवेल है तो वॉवेल में क्या किया उसने वॉवेल में चेंजेस किए हैं। यहां पर वॉवेल में चेंजेस किए हैं जहां भी ई आएगी ठीक है ए आएगा वहां पे क्या होगा ये कन्वर्ट होकर उसका उल्टा हो गया है। उस जो प्रश्न है तो प्रश्न आप देखेंगे जहां पे ए होगा वहां जहां पे ए होगा आप ए वाले में भी देखेंगे तो यहां पे इसने चेंजेस कर दिए हैं और उस चेंजेस को क्या लिख दिया इसने यहाँ पे 26 ए वाले में कर दिया तो ए 26 हो ही नहीं सकता, ए को उल्टा क्या होगा जेड तो जेड की जगह उसने क्या लिख दिया है 26 नंबर डाल दिया। क्यों, क्योंकि ये है ए ई आई ओ जो है मतलब वॉवेल है तो उस वॉवेल में उसने चेंजेस किए हैं बाकी और सभी लेटर को उसने सामान्य रखा है ठीक। तो इसी द्वारा जब आप निकालेंगे तो ये ऑप्शन निकल के आएगी और जिसका फिर आंसर क्या होगा तो यहाँ पे अगर पॉइंट आप देखेंगे तो मिलाएंगे तो यहाँ पे चीजें निकल के सामने आ जाएंगे ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ने के यहां क्रम में देखें तो क्या चीजें हैं तो अगर इसको पॉइंट ये भी आप क्या करिए सारे नंबर काउंट कर लीजिए एक से लेके जेड तक आप नंबर को काउंट कर लीजिए एक से जेड तक 26 लेटर होते हैं और यहां पे जब चीजों को आप देखेंगे 26 लेटर के जब आप देखेंगे ए एक से लेके 26 तक आप जब चीजों को देखेंगे तो आपको पूरे नंबर यहाँ पे याद हो जाएंगे ठीक है। और जब आप इसको यहाँ पे रख के देखेंगे तो कोई जो एक फासले निकल के चीजें आएंगे जैसे इसमें क्या है किसी में कह रहा है बेजोड़, बेजोड़ मतलब खोजने का मतलब ये है कि जो ज्यादा गैपिंग हो, ऐसा नहीं कि पता चला तीन सामान तो आप इसको जब देखेंगे तो कुछ यहाँ पे चीजें सामान्य दिख रही हैं और कुछ में काफी ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं तो जो चेंजेस आ रहे हैं वो कौन सा है तो वह है ऑप्शन नंबर ए। अगर आप इसको ऐड देख लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगी ठीक। चलिए अब आगे बात करते हैं, ये अभी आपका जो है 150 जो क्वेश्चन है ये काफी ज्यादा पाइथागोरस इसमें ऐड किया गया, क्यों, क्योंकि इसका जो आंसर होगा
वो 5.34 होगा, इसलिए क्योंकि कंपनी ने क्या किया है कि यहाँ पे चार, कंपनी ने क्या किया है यहाँ पे चार शाखाओं की बात की है जो कि 2 किलोमीटर दूरी पे जाएगा, कोई 1 किलोमीटर, ये अब जैसे ये 2 किलोमीटर जा रहा है, फिर इसके सॉरी 1 किलोमीटर इधर जा रहा है, फिर ये 2 किलोमीटर नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है, क्योंकि दक्षिणपुर की ओर जा रहा है, तो पी और एम की दूरी क्या होगी, तो यहाँ पूछा है, तो आप इसका जब स्क्वायर करेंगे सारी चीजों को लेंगे, फिर ये क्या होगा अंडर रूट में भी आएगी, तो अंडर रूट से जब इस चीजों को निकालेंगे तो ये आंसर निकल के आएगी 5.34। हालांकि देखा जाए तो ये इस पॉइंट पे दो ही देखा जाए तो इस टाइप की सारी चीजें हैं जहाँ पे ये चार शाखाओं में विभाजित किया गया, इसलिए थोड़ा सा ये प्रश्न घुमाने वाला है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद इसका आंसर क्या होगा इसी में, इसलिए 5.34 इसका आंसर होगा। ठीक, तो चलिए इस तरीके से ये सारी चीजें हो गई, हमने यहाँ पे देख लिया, धन्यवाद आप सभी का।